सो डू यू हैव दिस एनसीईआरटी? अगर आपको पता था क्या व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो आपके पास होनी चाहिए. अदरवाइज अब नेक्स्ट क्लास से, दैट इज टुमारो, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए. राइट, दिस इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, जिसमें है एंशियंट हिस्ट्री. राइट, ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस बुक? राइट, हिस्ट्री की बड़ी डिफरेंट एनसीईआरटीज हैं. सो व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनसीईआरटीज, और ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है. बहुत बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी. इनफैक्ट देर आर फोर टाइप्स ऑफ एनसीईआरटीज. नंबर वन इज ओल्ड एनसीईआरटीज. राइट, आर एस शर्मा, जो एंशियंट की एनसीईआरटी है. देन वी हैव थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जिसके तीन पार्ट्स हैं. एंड थ्री पार्ट्स दे केटर टू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो तीन पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं. देन देर इज अनदर सीरीज ऑफ एनसीईआरटीज नोन एज आर पास्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2. देन देर इज अनदर एनसीईआरटी, जो किसकी है, तमिलनाडु बोर्ड की. तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ लो. दैट इज अनदर रिकमेंडेशन दैट पीपल विल गिव यू. राइट, बट द थिंग इज, आप इतनी सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ सकते. नाउ ओल्ड एनसीईआरटी एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, दीज आर द टू एनसीईआरटीज. अगर आप कवर कर सकते हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड. राइट, देन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से और ओल्ड एनसीईआरटी से, दोनों से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं इन प्रिलिम्स एज वेल एज इन मेंस. राइट, सो प्रिलिम्स में क्या पूछा जाता है? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग जी. सो वी आर डूइंग एंशियंट हिस्ट्री, देन देर इज मेडिवल हिस्ट्री, एंड देर इज व्हाट, मॉडर्न हिस्ट्री. ये तीन डिफरेंट एराज हैं हिस्ट्री के. इसके अलावा हम करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री. इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री को अगर फर्दर बाइफरकेट कर दें, तो हम करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. राइट, इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज ये प्रिलिम्स में काफी सारी आती है, मेंस में काफी सारी आती है. एंड आज जो भी हो रहा है, उसका डायरेक्ट रिलेशन इट इज टू द मॉडर्न हिस्ट्री. राइट, जब अंग्रेज आए थे और हमें रूल कर रहे थे, दैट इज अ मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट. राइट, योर अटेंशन शुड बी 200%, नॉट 100%, 200%. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस इन बिटवीन, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. आपके मुझे आंसर चाहिए. ठीक है, ऑलराइट. सो मॉडर्न हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ये बात क्लियर है? प्रिलिम्स में भी आती है और एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री आती है प्रिलिम्स में. मेंस में नहीं आती, ओनली द आर्ट एंड आर्किटेक्चर पार्ट. आर्ट एंड आर्किटेक्चर पार्ट लिखा हुआ है बहुत क्लैरिटी के साथ, तो ये प्रिलिम्स प्लस मेंस में आएगा. राइट, सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग, कल्चर पार्ट, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये सब नहीं आएगी इन मेंस. राइट, एंड आज आप समझोगे कि पर्सपेक्टिव क्या है हिस्ट्री को पढ़ने का. इट इज नॉट दैट कौन राजा था, कि कब क्या हुआ, ये सारी चीजें दे नॉट इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री का एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट. राइट, फॉर इंस्टेंस, व्हाई आर वी रीडिंग दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन? आज अगर हम करेंगे दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो क्यों कर रहे हैं? व्हाई डू वी डू दिस? बिकॉज टुडे एज वेल एज इन द पास्ट, द वेस्टर्न कंट्रीज, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न मीडिया आज भी बोलता है भूखे नंगे लोगों का गरीब देश, कुछ अच्छा नहीं कर सकते, एकदम इनके दिमाग छोटे हैं. अगर आप 100 साल पीछे चले जाओगे, दे यूज टू थिंक दैट वी आर अ सॉर्ट ऑफ एनिमल्स. राइट, हम एक जानवर का ही रूप है. एंड द व्हाइट रेस, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दे आर द सिविलाइज्ड वंस. तो हमने हिस्ट्री पढ़ी,
हमें ये सारी चीजें मिली, ऑल दीज थिंग्स, वी फाउंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो ये 4,000 साल पुरानी चीजें जब हमें मिली, ये हमारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ग्रेट बाथ, सरोवर, स्विमिंग पूल, समथिंग लाइक दिस, राइट। इस तरीके से हमने अपने शहरों की प्लानिंग की हुई थी। जब ये सारी चीजें सामने आई, एटलीस्ट वी कुड क्लेम दैट वी वर वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशंस बिफोर एनी वेस्टर्न कंट्री बिकेम अ सिविलाइजेशन, राइट। तो शुड वी रीड हिस्ट्री, राइट, बिकॉज आधा समय तो दिमाग यही सोचता रहेगा ना, क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्यों की थी, हिस्ट्री क्यों की थी। आधी जिंदगी में तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को इसीलिए ध्यान नहीं देते बिकॉज यू यू डोंट नो क्यों कर रहे हैं। ठीक बात है, दैट इज वाई हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी फैमिली का पास्ट जानते हो, जानते हो कि नहीं, और ब्रैग भी करते हो कई बार कि मेरे दादाजी के मामा जी समथिंग कभी किसी जमाने में पटवारी लगे हुए थे, ऐसे होता है। व्हाट इज दिस, योर हिस्ट्री, इंडिविजुअल हिस्ट्री, यू आर प्राउड अबाउट इट, यू फाइंड रीजंस टू टेक सेल्फ प्राइड एज अ सिविलाइजेशन। वी हैव सो मेनी रीजंस बट वी आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट इट। वो कैसे होता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, राइट। हैव यू हर्ड सम इंटरव्यूज ऑफ एस जयशंकर, कौन है, फॉरेन मिनिस्टर है, राइट, फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर। इससे पहले क्या थे, आईएफएस ऑफिसर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। एंड ही सेज द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज इंडिया, राइट। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं, आप उनकी बातें सुनोगे, उनकी लाइफ स्टोरी सुनोगे, हिज लाइफ स्पीक्स फॉर दिस स्टेटमेंट। ही सेज इंडिया जो है उसका नाम ऊंचा हो, दैट इज ऑल दैट आई वॉन्ट। एंड वो कुछ भी बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करेंगे, एग्जाम्पल लेकर आएंगे इंडिया के किसी हिस्ट्री से। उन्होंने दो किताबें लिखी हैं, वन इज बेस्ड ऑन महाभारत, सेकेंड ऑन रामायण। उनसे किसी ने पूछा क्यों ऐसा करते हो, सो ही सेड कब तक शेक्सपियर, मैकैवली, ये वेस्टर्न ऑथर्स पढ़ते रहेंगे, वी हैव आर ओन ऑथर्स। मैं तो इन्हीं की एग्जाम्पल दूंगा कुछ भी समझाने के लिए, राइट। ही कुड गिव दोज एग्जाम्पल्स, वाई, बिकॉज ही वॉज वेल वर्स्ड विद इंडियन पास्ट। सो हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, इज इज क्लियर, वी आर नॉट क्रैमिंग फैक्ट्स, वी आर नोइंग आर पास्ट, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई वी शुड बी पैशनेट अबाउट हिस्ट्री, राइट। स्पेशली एज एडमिनिस्ट्रेटर्स यू शुड बी, ठीक है, ऑलराइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ये शहरों के नक्शे बनाए हुए थे हमने 4,000 साल पहले, ये आज भी स्ट्रक्चर बरकरार है जितना बचा हुआ है। एंड ये क्या है, घर में मसाले कूटते हो, किस चीज से कूटते हो, क्या बोलते हो उसको, हाँ, सिलबट्टा, और कोटना, और यही मैं सुनना चाहता हूं। आधे बच्चे इसलिए नहीं बोल रहे, दे आर अशेम्ड, है ना, शर्म सी आती है ना अपनी लैंग्वेज बोलते हुए, नहीं आनी चाहिए। कुंडी सोटा, ठीक बात है, डोरी सोटा, राइट, मोटार पेस्टल, ये बोलते हो घर पे, दैट्स ग्रेट। आई थिंक द फैमिली मस्ट हैव हार्वर्ड एडुकेटेड। कुंडा डंडा, राइट। अब ये देखो, दिस इज 2500 BC, राइट, मतलब अराउंड 4 to 5,000 years अगो हमें ये मिला है, करीब 4,500 साल पुराना ये मिला है हमें। अब यहां से आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाती है कि कुछ ना कुछ यहां पर पीसा गया होगा, किचन थी, कोई पीस रहा होगा। हम इनका कल्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये जो ग्रेट बात, ये सरोवर मिला, इसके आसपास चेंजिंग रूम्स मिले, बाथरूम्स मिले, राइट, ऐसे आपको स्विमिंग पूल्स दिखते हैं, राइट। सो दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड 4,500 years अगो। नाउ दिस वॉज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, दिस वॉज शहर जहां पर सब रहेंगे। ये साइट्स हमें मिली अफगानिस्तान में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी,
हर जगह पे ईंट का साइज भी सेम है, तो किसने बताया सेम रखना कोई होगा। ये हिस्ट्री, ये जो सवाल और जवाब हम करते हैं, एंड डिफरेंट हिस्टोरियंस अपनी अपनी अपने अपने आइडियाज देते हैं, राइट, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक सिंगल रूलर रहा होगा, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज नॉट कि 2500 बीसी में क्या हुआ था, राइट, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये आपको क्लासरूम में याद हो जाएंगी चीजें, नेचुरली याद हो जाएंगी। आपका ध्यान होना चाहिए ये एनालिसिस पढ़ने में। ये देखो, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, नालियां, राइट, कहां से पानी आएगा, कहां से सीवेज जाएगा घरों का, दैट वॉज ऑल्सो प्लान्ड। आज भी इंडिया के शहरों में प्लान्ड नहीं है ये, पहले शहर बनता है फिर सीवरेज बनता है। हाँ जी, राइट, सो इवन नाउ वी आर नॉट एबल टू प्लान आर सिटीज इन अ गुड मैनर, दे डिड इट, राइट, आर एंसेस्टर्स वी कैन क्लेम, राइट, सो दिस इज द मिरर्स, देर वॉज एन इंक पॉट जो यहां पे मिला है, देर वॉज अ लिपस्टिक जो यहां पर मिली है, मेकअप वैनिटी बॉक्स वो यहां पर मिला है इन दिस सिविलाइजेशन, राइट। सो देन वी फाइंड आउट कि अमीर लोग और गरीब लोग, क्या सोसाइटी में ऐसे डिफरेंसेस थे, ये सब चीजें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो अभी तक आपने हिस्ट्री पढ़ी है वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव काम में नहीं लाना आपने, उस वजह से आपने हिस्ट्री के प्रति एक डिसइंटरेस्ट शो नहीं करना। आई ऑल्सो टोल्ड यू वाई रीडिंग हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो क्लियर, स्पेशली एज एडमिनिस्ट्रेटर्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कंट्री को, यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर पास्ट, वी वर वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज वाई वी कैन अगेन बिकम वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, राइट। अमृत काल चल रहा है, कब तक चल रहा है, 2047 तक, 100 साल हो जाएंगे आजादी के और हम बन जाएंगे दुनिया की सबसे बढ़िया कंट्री, एटलीस्ट दैट इज वॉट द बिलीफ इज, राइट। सो व्हाट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड हेयर यू कैन आस्क, रेज योर हैंड्स। सो दिस इज वॉट वी आर सपोज टू डू, बट बिफोर डूइंग दैट लेट्स लेट्स गो थ्रू द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। हाँ जी, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री सारी देख लेते हैं, ठीक है। सो अर्लीएस्ट वी हैड स्टोन एज, एक बार फिर से मैं बता दूं, बिकॉज यू पीपल आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी व्हेन आई टेल यू, क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे इस किताब में से। यू गो टू गिव यूपीएससी, यू गो टू गिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे इन प्रिलिम्स, इन मेंस, एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू में अगर हिस्ट्री की बात चली, इंडिया के पास्ट की बात चली, इंडिया के सिविलाइजेशन की बात चली, बिकॉज ये अभी भी खुदाई चल रही है हरियाणा के रखी गढ़ी में, वो साइट अब सबसे बड़ी साइट है इस सिविलाइजेशन की। सो दिस इज पास्ट एज वेल एज द प्रेजेंट, सो मेक श्योर आप क्लास के साथ साथ इन बुक्स को रट लो, क्रैम कर लो, दूसरी बार रीडिंग जरूर करेंगे लेकिन करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, राइट, साथ साथ में करना इज एक्सट्रीमली इजी बिकॉज स्कूल बुक्स हैं ये, नथिंग वेरी हैवी, द स्टोरी वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इन द क्लास, उसके बाद टाइमर लगा के अगर आप पढ़ोगे, एक चैप्टर को 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ज्यादा बोल रहा हूं मैं, ठीक है जी, एक चैप्टर को 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम, वैसे तो 30-40 मिनट्स दैट इज ऑल यू नीड, राइट, इज दिस फाइन, ऑलराइट जी। सो लेट्स गो थ्रू द हिस्ट्री की टाइमलाइन वंस अगेन, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये हमें करनी होती है। एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री आती है कहां पर, प्रिलिम्स में, द फर्स्ट स्टेज, एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का एक पार्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो प्रिलिम्स में तो आएगा ही, कहां पे आएगा, और मेंस में आंसर लिखने को भी आ सकता है, एंड इसी बुक से 2 बार एटलीस्ट मेंस के अंदर आंसर राइटिंग आ चुकी है इन द लास्ट 7 ईयर्स, 2 बार,
वंस ऑन दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्बन फीचर्स, शहरों के फीचर्स, अभी आप रट के निकलोगे, वंस वी फिनिश विद दिस चैप्टर आपको रटे होंगे वो, राइट, ऑल द अर्बन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड आया था स्तूपाज के ऊपर, राइट, वो भी आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें आप स्तूपास कवर करोगे। एनसीईआरटी आर द गवर्नमेंट बुक्स, एनी गवर्नमेंट बुक और रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो बजट हो, चाहे वो पीआईबी एक साइट होती है जहां से अखबारें वगैरह बनती हैं या सारे करंट अफेयर के नोट बनते हैं, पीआईबी, राइट, वो आपने खुद नहीं पढ़नी, वो उसके करंट अफेयर के नोट्स आपको मिलते रहते हैं, राइट। एनसीआरटीज, बजट डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सरकारी पेपर है, सरकारी नौकरी का पेपर है, तो इसलिए एनसीआरटीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे। एम आई क्लियर? आर यू श्योर? विल यू बी रीडिंग एनसीआरटीज? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन इज द बुक, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। कौन सी क्लास है इसकी? 11th, 12th, 12th। सो आपने क्या करना होता है, एनसीआरटीज या तो हार्ड कॉपी कहीं से ले सकते हो, या फिर यू जस्ट विजिट एनसीआरटी की वेबसाइट, वहां पे सर्च करो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री एनसीआरटी, एनसीआरटी की वेबसाइट पे, वहां पे आपको मिल जाएगा, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस इफ यू, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तब आपको आपकी ईमेल आईडी पे सारी एनसीईआरटीज की पीडीएफ शेयर हो गई थी, अगर नहीं हुई थी तो आप बता दो, जो भी आपका काउंसलर होगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे, राइट। आवाज कट रही है ऑनलाइन? वन स्टूडेंट इज फीलिंग दैट देर इज सम इश्यू विद द वॉइस। नहीं हरमन, नहीं, एवरीबडी इज नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो आपके नेटवर्क में कुछ एरर होगा, एक बार एग्जिट करके एंटर कर लो। ऑलराइट, ठीक है जी, टाइमलाइन देख लेते हैं हिस्ट्री की, साथ साथ में याद करेंगे, लेट सी अगर याद हो। फर्स्ट इट वॉज स्टोन एज, क्या था? स्टोन एज के तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज पलियोलिथिक, देन इट इज मीजोलिथिक, देन इट इज नियोलिथिक, राइट। पलियो स्टैंड्स फॉर ओल्ड, राइट, क्या होता है पलियोलिथिक? पलियो मीन्स ओल्ड, लिथ मीन्स स्टोन, स्टोन एज थी, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन टाइमलाइन पता होनी चाहिए, राइट। इससे भी पीछे चले जाओगे तो इंसान अभी इवॉल्व हो रहा है, जब अपने दो पैरों पे खड़ा हो गया तो उस इंसान को हमने बोला होमो इरेक्टस, राइट। उसके बाद जो प्रेजेंट फॉर्म है ह्यूमन बीइंग की, वी आर होमो सेपियंस, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू बट पता होना चाहिए, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एन एग्जाम ऑफ क्रैमिंग, रट्टे का एग्जाम नहीं है, क्यूरियोसिटी का एग्जाम, अवेयरनेस का एग्जाम है, पता होना चाहिए वी आर वॉट, होमो सेपियंस, राइट। ऑलराइट, सो अब ये था स्टोन एज पत्थर युग, उसके बाद पैलियोलिथिक, पैलियो आई टोल्ड यू क्या होता है, ये मीसो मींस मिडल, राइट, मिडल ऑफ एनीथिंग, वहां पे ये शब्द आपको मिल जाएगा, देन न्यू मींस ऑलवेज न्यू। सो स्टोन एज तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक विच इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक इज मिडिल स्टोन, नियोलिथिक इज न्यू स्टोन एज, इज दिस फाइन? सो दिस इज द स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद कॉपर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया हमने, राइट, अभी पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्टली फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ, अब हमने कॉपर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और ब्रॉन्ज का, किसका किसका? कॉपर एंड एंड दिस एज इज नोन एज चेल्कोलिथिक, राइट, चेल्को मीन्स कॉपर, लिथ मीन्स
सो दैट मीन्स अभी स्टोन का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, ठीक बात है, याद हो गया इतना। सो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चेल्कोलिथिक। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? चेल्कोलिथिक एज। इज क्लियर? आज इतनी टाइमलाइन याद करनी, बिकॉज यहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। कहां से? चेल्कोलिथिक एज में बहुत सारे कल्चर्स हैं, राइट? चेल्कोलिथिक एज वेरी सिंपली मींस कि पत्थरों का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, लेकिन इंसान ने मेटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और कौन से मेटल्स का? कॉपर एंड ब्रॉन्ज। और यहां पर ये याद रखना और भी जरूरी है कि कौन से मेटल का इस्तेमाल अभी नहीं शुरू किया, एंड दैट इज आयरन। कौन सा है? इससे अगली एज है आयरन एज। चेल्कोलिथिक के बाद नेक्स्ट एज इज आयरन वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, बहुत ताकतवर मेटल है, तो जंगल काटने में बहुत मददगार साबित होगा, एग्रीकल्चर करने में बहुत मददगार साबित होगा। बेटर एग्रीकल्चर विल प्रोड्यूस बेटर सरप्लस, राइट? और फिर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा और फिर शहर बस जाएंगे बिकॉज आयरन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। दिस इज फाइन, सबको याद हो गई है एज। वन लास्ट रिविजन, देन एक एक करके आप बताओगे मेरे को। स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। उसके बाद कौन सी एज है? कौन से दो मेटल्स इस्तेमाल हो रहे हैं? कॉपर कॉपर एंड। नेक्स्ट एज इज आयरन एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच पीरियड? चेल्कोलिथिक पीरियड। इज दिस फाइन? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन यू आर सपोज टू राइट, अदरवाइज मेरे को नाम लेके पूछना पड़ेगा। आई विल नेम अ स्टूडेंट की सारी एज इन ऑर्डर, बता दो मेरे को। अगर आप नहीं बताओगे, आई हैव द कंट्रोल्स टू कीप यू इन द क्लास और टू नॉट कीप यू इन द क्लास। यू विल हैव टू पे एज मच अटेंशन एज समबडी इन द क्लास। ऑलराइट, सो आई हैव टोल्ड यू, लेट्स से दिस इज द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया इसमें एक कंट्री है। सब कॉन्टिनेंट इज द लार्जर पार्ट, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे आ जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होता ना एक, सब मीन्स बिलो दैट, राइट? सब स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड से नीचे, सही बात है? तो सब कॉन्टिनेंट क्या हुआ? कॉन्टिनेंट से नीचे, उसका एक छोटा हिस्सा। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें ये सारी कंट्रीज, कौन कौन सी बताई मैंने? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। एटलस है आपके पास? एटलस खोल लिया करो, जहां मौका मिले खोल लिया करो, नोबडी इज गोइंग टू माइंड, राइट? मैंने तो देखो, आई कीप सेइंग कि बैग में रखो एटलस, और मैंने तो कभी भी, मेरे को रास्ते में मिलोगे, मैंने फिर शायद बोल देना कि एटलस खोल लो। एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको भी पता है, आपको दुनिया की कोई कंट्री याद नहीं है, कौन किधर है, आपको इंडिया के स्टेट्स का नहीं पता, सही बात है? मणिपुर साउथ इंडिया में है या वेस्ट इंडिया में, आपको नहीं पता, राइट? कुछ को नहीं पता, राइट? वो हंस रहे हैं। सो द थिंग इज, जब हम बहुत पीछे हैं, हमें नहीं पता, इंडिया के स्टेट्स भी नहीं पता, तो हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, सही बात है? नहीं पता तो नहीं पता, इतनी कोई वो कॉम्प्लेक्स इंफीरियोरिटी फील करने वाली बात है नहीं, बट ये तो कर सकते हो, एफर्ट तो कर सकते हो कि नहीं? एफर्ट तो इतना सही है कि किताब एटलीस्ट की आपके बैग में हो। आई विल कीप टेलिंग यू ऑलमोस्ट डेली, न्यूज़पेपर क्लास में हम खोलते रहेंगे। अभी आपकी इमेजिनेशन नहीं बता पा रही है कि अफगानिस्तान किधर है, फिर पाकिस्तान किधर है, फिर इंडिया आ जाता है, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। ये कौन सा इलाका है जिसको मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल रहा हूं? इफ यू कैन सी, यू शुड सी दिस, राइट? तो एटलस अपने पास रखनी है हमेशा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कल्चर्स डेवलप हो गए। क्या डेवलप हो गया? कल्चर्स डेवलप हो गए। लाइक इस इलाके में एक कॉमन से फीचर्स मिल रहे हैं आपको, सेम बर्तन, सेम पॉटरी, सेम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। इसको हम क्या बोलते हैं? कल्चर। क्या बोलते हैं? कल्चर कल्चर। उनमें से एक कल्चर था ये वाला, हड़प्पन कल्चर।
लेकिन इसको हम कल्चर ना बुलाकर क्या बुला रहे हैं, सिविलाइजेशन। बाकी सब के सब कल्चर्स थे, ये एक सिविलाइजेशन थी। ऐसा क्यों था? बिकॉज दे वर सिविलाइज्ड। व्हाट इज सिविलाइज्ड? सभ्य, सभ्यता। अगर मैं बोलूं कि ये बहुत सभ्य लोग हैं, क्या समझोगे? वो तो ट्रांसलेट कर दिया, समझोगे क्या कैसा बंदा है? हाँ, नलायक, ऑर्गेनाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड, राइट, नोबल। सही बात है, ये होता है सभ्य। तो सभ्यता और जो बाकी सारे कल्चर्स जिनको हम सिविलाइजेशन नहीं बुला रहे, उनमें कोई डिफरेंस होगा? डिफरेंस क्या होता है? पढ़ाई लिखाई का। क्या डिफरेंस होता है? पढ़ाई लिखाई का, राइटिंग का। किसका? जो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो अर्बनाइज हो जाते हैं। तीन चीजें बताई मैंने, ट्रेड, राइटिंग, अर्बनाइजेशन, राइट, वेल मैनर्ड। हाँ, व्हाई इज इट नेम्ड हड़प्पन? इस पे भी आएंगे। अभी विल आराधना टेल मी, कौन से तीन फीचर्स बताए मैंने कि एक सिविलाइजेशन को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, कल्चर नहीं बोलते? और यहां से कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। दिस साइड हैज मोर पॉपुलेशन, दिस साइड हैज लेस, रेज्ड हैंड्स। हाँ जी, राइटिंग, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। परफेक्ट, एग्जैक्टली। अच्छा, बाकी सबने भी बता दिया, दैट इज गुड। हड़प्पन इसका नाम क्यों रखा? बिकॉज सबसे पहली साइट जो मिली थी, दैट वॉज हड़प्पा, द सिटी ऑफ हड़प्पा। तो पाकिस्तान के किसी गांव में खुदाई हुई, उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली जो वहां के जो लोकल्स थे, उन्होंने अंग्रेज जो आसपास घूम रहे थे उनको दे दी कि ये कुछ विचित्र सी चीज हमें मिल गई है, तो ये तुम देख लो, राइट। अंग्रेज एजुकेटेड, वेस्टर्न एजुकेटेड, सिविलाइजेशंस के बारे में जानते थे कि एक चाइनीज सिविलाइजेशन हुआ करती थी, एक मेसोपोटामियन हुआ करती थी दुनिया के किसी हिस्से में, एंड दे वर लाइक इंडिया में तो नहीं थी, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, राइट। तो पहले तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, इतने नालायक आज लोग हैं, सिविलाइज तो नहीं हो सकते, इज वॉट दे सेड, राइट। और ये लोग ईंटें भी उठा के ले गए थे सारी, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं, इसकी ईंटें गायब थी, इसी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट। सो दे रिफ्यूज टू बिलीव कि ये कुछ सिविलाइजेशन का पार्ट हो सकता है। फिर ऐसी आपको सील्स मिलती रहेंगी, तो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। और जब फर्दर एक्सकेवेशन की गई, खुदाई की गई, तो ये पता चला कि बड़े डिफरेंट शहरों में ऐसी सिमिलर सील्स, सिमिलर सिंबल्स मिल रहे हैं, सेम जानवरों के सिंबल्स हैं, सभी सील्स एक प्रकार की हैं। और खुदाई की गई, बिल्डिंग्स मिल गई, गोदाम मिल गए, ड्रेनेज सिस्टम मिल गया, कुएं थे, डबल स्टोरीड घर बने हुए थे, राइट। सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल गए। तो इस सारे कल्चर को जहां पर राइटिंग का एविडेंस मिला, मिला कि नहीं मिला? सिंबल्स हैं, अक्षर मिल रहे हैं, तो राइटिंग ही है ना। और फिर इनकी सील्स मिल रही हैं समंदर पार, बहरीन में, इराक में, एंड उनकी राइटिंग हमने पढ़ रही है, पढ़ ली है, इनकी नहीं पढ़ी। तो उनकी राइटिंग में वो हड़प्पा के लोगों को बोलते हैं कि बहुत अच्छे सी फेरर्स हैं, समंदर में बहुत बढ़िया सफर करते हैं, दुनिया में जाने जाते हैं। क्या हम इसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ट्रेड करते थे, इनका सामान वहां पर मिल रहा है, राइट। किश्तियों में बैठ के जा रहे हैं कहीं पे, उनका सामान यहां पर मिल रहा है, जो रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आसपास के इलाके में नहीं है, उसके गहने बने हुए मिलेंगे। रॉ मटेरियल कहीं से आया, लेकर आए, इंपोर्ट हो रहा है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज हैपनिंग, देर इज राइटिंग एंड देर आर सिटीज। इज दिस फाइन? दैट इज वाई दिस इज द सिविलाइजेशन, नॉट अ, नॉट अ, चलाना है। ठीक है जी, क्लियर है?
नेक्स्ट टाइम व्हेन आई आस्क एनी क्वेश्चन एवरी सिंगल हैंड शुड बी रेज्ड, इज दिस फाइन? एक भी हाथ नीचे ना हो। द ब्रेक्स वर यूज्ड इन रेलवे एट पंजाब। हड़प्पन सिटी फाउंडेड बाय दयाराम सहनी, नॉट फाउंडेड बाय, एक्सकवेटेड बाय इज द राइट वर्ड। खुदाई की थी दयाराम सहनी ने। सिविलाइजेशन इज ब्रॉडर टर्म इन विच मेनी कल्चर्स प्रिवेल इन अ सिविलाइजेशन। राइटिंग, ट्रेड, अर्बनाइजेशन आर डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स। बिल्कुल सही, राइट? इतनी बात क्लियर है? All right. So, we have established what a civilization is. ये पता लग गया। Then हमने पलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चेल्कोलिथिक के बारे में जान लिया। चेल्कोलिथिक में एक इलाके में, which was the north western part of Indian subcontinent, जो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का नॉर्थ हिस्सा है, इस इलाके में एक सिविलाइजेशन डेवलप होती है, जो शहर बनाते हैं, शहरों को एक ही तरीके का बनाते हैं, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। हर शहर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा छोटा है लेकिन रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया, ऊंचा करके बनाया गया, हाइट पे। दूसरा हिस्सा शहर का बड़ा है लेकिन वो थोड़ा सा नीचे है एज कंपेयर टू दिस रेज्ड प्लेटफॉर्म। इज दिस फाइन? चारों तरफ से दीवार बनाई गई है टू प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम समथिंग। वी डोंट नो व्हाट, किस बात का खतरा था। ईंटे तक सेम साइज की थी। 700 के करीब कुएं मिले हैं, वेल्स मिले हैं, तो मतलब पानी यहीं से आ रहा था। वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, इसका भी एविडेंस मिला हुआ है। जिन चीजों में स्टोर करते थे, वहां से साइंटिस्ट्स ये एविडेंस निकाल पाते हैं कि किस तरीके का अनाज खाया करते थे, क्या ये वेजिटेरियंस थे, नॉन वेजिटेरियंस थे। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, राइट? सो द फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। अब देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान चीज है, इतनी इजी चीज करके आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट? सो नॉट अ रॉकेट साइंस, इसमें कुछ समझने वाला तो नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, नथिंग। यू कैन मास्टर दिस सब्जेक्ट एटलीस्ट, इसमें तो अच्छे मार्क्स ले ही सकते हैं। तो आपने रीडिंग बस साथ साथ में करनी। राइट? अभी तक कोई भी इशू, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन पूछ लो, एनीवन ऑनलाइन, नथिंग? हाँ जी। वेरी गुड क्वेश्चन। सिविलाइजेशन जमीन के नीचे कैसे धस गई? गुड। सर प्लीज टेल मी व्हाट। टेल, अच्छा, मीजो, मीजो लिथिक, लिथिक मीन्स ऊंची, बताओ, आवाज जानी चाहिए। मीसो मीन्स मीसो, ये कैसी मिस्टेक है जो सब नहीं कर रही। मीसो मीन्स मिडल एंड लिथिक मीन्स, सो इट मीन्स विच एज, मिडल स्टोन एज, राइट? अब देखो, ये ओल्ड स्टोन एज है पलेओ, एंड नई वाली कौन सी थी, तो बीच में है, इसलिए मेसो, राइट? दो नदियों के बीच में जो सिविलाइजेशन थी उसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। मेसो मीन्स मिडल। जब रट्टे नहीं मारोगे और रूट वर्ड्स के मतलब समझ लोगे, काफी चीजें वैसी होती रहेंगी। मेसो मीन्स मिडल, पोटामिया मीन्स रिवर्स। पोटामिया मीन्स व्हाट? कैन यू टेक अ गैस, पेंटा पोटामिया क्या होगा? पेंटा मीन्स पांच नदियां किधर है? एग्जैक्टली, राइट? सो नो क्रामिंग, ओनली रूट वर्ड्स, इज इज फाइन? सो मीसो मीन्स मिडल। जब हम मीसोलिथिक की बात कर रहे हैं, जब हम मीसोपोटामिया की बात कर रहे हैं, तो मतलब इन बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट
धंस कैसे गई? अब यहां पे मेरे को ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ जाएगी, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, जहां पे आज थार डेजर्ट है वहां पर एक समय पर ग्रीनरी थी, राइट? बहुत सारी ज्योग्राफिकल फोर्सेस हैं जो आप अपनी ज्योग्राफी क्लासेस और एनसीईआरटी में पढ़ते हो, जो कॉन्स्टेंटली लैंड बिल्डिंग का काम करते हैं. माउंटेन्स बनते जाते हैं, फिर वो माउंटेन्स खत्म होते जाते हैं, राइट? अब देखो, जहां पर आज रिवर्स हैं, ऊपर से सेडिमेंट्स आ रहे हैं, ग्लेशियर्स, जैसे ये सारी सतलुज नदी है, इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, व्हेन दे कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, ये सेडिमेंट्स लेके आते हैं और नीचे प्लेन एरियाज में डिपॉजिट करते रहते हैं. तो ऊपर से ये सारी चीजें जो आएंगी, पुरानी चीजें नीचे चलती जाएंगी, एंड दिस टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल लगते हैं. सो अब ये धस कैसे गई, इसके कुछ प्रोबेबल कॉजेस हैं. एंड ऑफ द चैप्टर हमने ये डिस्कस करना है कि ये खत्म कैसे हुई. कुछ कारण लोग मानते हैं कि यहां पर पानी की कमी इसी जमाने में होनी स्टार्ट हुई थी, तब थार डेजर्ट नहीं था उस समय, दिस वॉज ग्रीन बिकॉज इस इलाके में हिपोपोटामस मिला करते थे, राइट? देन जब यहां पर पानी की कमी होनी स्टार्ट हुई, तब शायद नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए. नदियां रास्ते बदल लेते हैं, राइट? कभी भी इस इलाके में नहीं होता, नॉर्थ इंडिया में. बिहार में एक नदी है, कैन यू नेम दैट रिवर? कोसी. नदी बदल लेती है, रास्ता बदल लेती है. इससे पहले एक नदी थी दामोदर, वो बहुत बदलती थी. हमने वो सीमेंटेड कनाल सिस्टम बना के उसको कंट्रोल किया, डैम्स वगैरह बना के. तो बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं, रास्ते बदल लेती हैं. तो शायद नदियों ने रास्ते बदले, शायद क्लाइमेट चेंज हुआ, शायद यहां पर पानी की कमी हो गई, शायद ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए. बहुत सारे पॉसिबल कारण हम डिस्कस करते हैं, हिस्टोरियंस डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, राइट? देन ओवर द इयर्स द फोर्सेस, द जियोग्राफिकल फोर्सेस, उन्होंने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते गए, एंड हजारों साल में फिर वो सिविलाइजेशंस नीचे चले जाते हैं. इज दिस फाइन? नाउ इसी के साथ एक और चीज भी डिस्कस कर लेते हैं. ये जो पुराना सामान निकलता है, वी कॉल दिस आर्कोलॉजिकल एविडेंस, यहां पे लिखा हुआ, राइट? व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई टू डू इज, अब ये स्कूल बुक्स हैं, हम इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. ये शब्द वगैरह कुछ हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी? सो आर्कोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? कुछ भी हार्ड मटीरियल, पत्थर, सील्स, पॉटरी, बोन्स, एनीथिंग दैट वी फाइंड फ्रॉम द ग्राउंड, उसको क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिकल एविडेंस. और कौन कौन से एविडेंस होते हैं? एक एविडेंस होता है न्यूमिस्मैटिक कॉइन्स, सिक्के, राइट? न्यूमिस, NUMIS, न्यूमिस, MATIC, न्यूमिस्मैटिक एविडेंस. जब हमें सिक्के मिलते हैं, सिक्कों के ऊपर बहुत कुछ बना होता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो जाता है. ये भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. कई बार किसी जमाने की किताबें होती हैं, जैसे वैदिक एज से वेद शुरू हो जाएंगे, वो हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाएगा, है ना? सो उसको हम क्या बोलते हैं? लिटररी सोर्सेस. इज दिस क्लियर? कौन कौन से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री सीखे आपने? आर्कियोलॉजिकल, लिटररी एंड क्वाइंस. क्वाइंस दे आर नोन एज न्यूमिस्मैटिक. वीरपाल, वी आर रीडिंग थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, एंड प्लीज ज्वाइन क्लास एट द राइट टाइम, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख लिया करो, बिकॉज इनिशियल हिस्सा मिस हो जाएगा तो विल फाइंड इट डिफिकल्ट. इतनी बात क्लियर है जी? सो अभी उसी पे आते हैं, क्वेश्चन पे. सो इस तरीके से आज की सिविलाइजेशन बनी हुई है, राइट? यहां पे घर बने हुए हैं, तो नीचे दिस लेयर, दिस लेयर, दिस लेयर. अब 4,000 साल पहले ये सिविलाइजेशन रही होगी, फिर 3,000 साल पहले, 2,000, ऐसे होगा ना? लेटेस्ट सबसे ऊपर होगी, ठीक बात है? बिकॉज सबसे पहले ये रही होगी, उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, वॉट एवर हैपेंड, कहीं पे वॉल्केनो आ गया मान लो, डिपॉजिट हो जाएगी नीचे, है ना? कहीं पे कॉन्स्टेंट फ्लडिंग स्टार्ट हो गई, जैसे अब माना जाता है क्लाइमेट चेंज के चलते जो ये हिमालयन रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास, ऑल दीज रिवर्स,
जितनी भी इंडस, जितनी भी पंजाब की नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सारी नदियों में बहुत सारी फ्लडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और फ्लड्स जो हैं बहुत सारी चीजें डिपॉजिट कर जाएंगे। कई बार क्या होता है, वो शहर जो शहर था फ्लड के बाद शहर नहीं रहेगा, है ना, तो वो भी डिपॉजिट हो जाएगा। शायद पिछले जमाने में भी ऐसा ही हुआ होगा। इज दिस क्लियर? द्वारका सिटी समंदर के नीचे चली गई। एग्जैक्टली कौन गया था अभी द्वारका सिटी? मोदी जी गए थे। एक समंदर के नीचे कैसे चले गए? उनके पास शक्तियां हैं। नहीं, कैसे गए थे? सी डाइविंग करते हुए गए थे। राइट राइट। सो वो भी एक एग्जाम्पल है, एक हिस्टोरिकल सिटी जो समंदर के नीचे चली गई। इज दिस क्लियर? बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसकी खुदाई हम नहीं कर पाते, जैसे ये सारी जो कुरुक्षेत्र वगैरह की स्टोरीज हैं, यहाँ पे सिविलाइजेशन आबादी इतनी है तो खुदाई करनी बड़ी मुश्किल हो गई है। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट मेनी एरियाज ऑफ हिस्ट्री जो किताबों में मिलती है, लेकिन हम उसको कंफर्म नहीं कर पाते। कोई हिस्ट्री जब दोनों जगह पर कंफर्म हो जाती है तो उसका पक्का एविडेंस हो जाता है। इज क्लियर? काफी खतरनाक बात कर दी आपने। आफ्टर थाउजेंड ऑफ इयर्स मे बी फ्यूचर जनरेशन विल बी डिगिंग अस। एकदम काला जादू बात। सो देयर इज अ थिंग नोन एज टाइम कैप्सूल, पता आपको? वो जमीन में गाड़ दिया जाता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, उनको मैसेज देते हुए। बहुत सारी कंट्रीज भी करते हैं ऐसा, उसका यही पर्पस होता है। राइट अर्शप्रीत, प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, प्लीज एक्सप्लेन दिस। हाँ, क्वाइंस जो होते हैं जब मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक एविडेंस, न्यूमिस्मैटिक। राम मंदिर में ऐसा हुआ रिसेंटली, वहां पे एक टाइम कैप्सूल डाला गया। ठीक बात है, चलो आपका इंटरेस्ट जाग रहा है हिस्ट्री में काफी अजीब तरीके से। दैट यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ गेटिंग डग आफ्टर थाउजेंड ऑफ इयर्स, सो दैट इज फाइन। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग हड़प्पन सील्स। अब एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड। दैट वॉज अ क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स। राइट, आया ना एनसीईआरटी से? ये एनसीईआरटी उससे पहले से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि पेपर में आया तो चेंज कर दिया, एनसीईआरटी में भी डाल दिया, ऐसा नहीं हुआ। एनसीईआरटी में से आपको दिखेगा पिछले 10 सालों में फुल ऑफ क्वेश्चंस, ओनली इफ यू रीड एनसीईआरटी। आई कीप टेलिंग दिस टू यू क्योंकि बहुत रूरल बच्चा, आम घरों का बच्चा भी एग्जाम देता है, तो यूपीएससी और हर गवर्नमेंट, हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये कोशिश करती है कि तैयारी जो है वो बड़ी सिंपल बुक से हो जाए। राइट, दैट इज वाई वो चाहे कुछ भी पूछें लेकिन कुछ हिस्सा एग्जाम का एनसीईआरटी में से आएगा ही। दिस विल नेवर चेंज, एवरीथिंग एल्स कैन चेंज, दिस कैन नॉट चेंज। राइट नाउ द प्रॉब्लम इज कौन सी एनसीईआरटी। तो अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा क्विकली कवर कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो आप ये तो पढ़ोगे क्लासेस के साथ साथ। यू कैन ऑल्सो कवर ओल्ड एनसीईआरटीज एंड देन वी आर ऑल्सो गिविंग यू द बुकलेट, एंशियंट हिस्ट्री की बुकलेट, जिसमें ये सारे फैक्ट्स क्रैम करने की स्टेज पे, मतलब उसको आप सीधा खोल लोगे बहुत दिक्कत आएगी, फुल ऑफ फैक्ट्स। राइट, सो दिस इज अ स्टोरी, इसको मजे से पढ़ो, याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, एंजॉय करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप उन चीजों को पढ़ोगे तो अपने आप याद हो गया होगा। ठीक है जी, सील्स कौन से पत्थर से बनी हुई है? स्टीटाइट। अटेंशन इधर, ऑलरेडी याद होके जाएगा। विच मटीरियल, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन, दलजीत, अमन, अर्श, श्रा, दीक्षा, मन्नत, ट्राई टू इंटरैक्ट, अदरवाइज आप हो
पता ही नहीं चलेगा। स्टीट हाइट, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि आपको फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स में से जब घर आके देखोगे पेपर में कहां से पूछा गया, आपको दिखेगा इस एनसीईआरटी, राइट? एटलीस्ट पिछले 5-7 सालों से तो यही हो रहा है। सो मेक योर लाइफ इजियर, फोकस ऑन दीज एनसीईआरटी। अच्छा, यू आर इन क्लास एज वेल एज डूइंग इलेक्शन ड्यूटी, दैट्स गुड डेडिकेशन, लेकिन ध्यान से करना, लोकतंत्र आपके हाथों में, कहीं कोई 2 बार बटन ना दबा जाए। चलिए जी, राइट। सो ये सील्स मिली हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनके बारे में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ इसका पर्पस क्या था, क्यों ये मोटिफ्स बने हुए थे, क्या बना हुआ था? MOTIF, एनसीआरटी है तो उसमें नजर रखना, अदरवाइज यहां पे वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करना। व्हाट आई एम ट्राइंग इज आपको घर जाके गूगल सर्च कम करनी पड़े। मोटिफ होते क्या, सिंबल्स, बस। बड़ी सिंपल सी चीज है, बस थोड़े से फैंसी शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुश्किल चीजें हैं, जस्ट गूगल कर लेना और पेज के कहीं भी साइड पे आपने छोटे छोटे नोट्स बनाते रहना है, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे उस सारे पेज पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट? कोशिश करना, बिकॉज इन दिस एनसीईआरटी तस्वीरें ज्यादा है, लिखा हुआ कम है, तो आसपास बहुत स्पेस है, उस पेज के नोट्स वहीं पर बन जाएंगे, उससे ज्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर बहुत लंबे लंबे ग्रंथ लिखने स्टार्ट कर दिए तो, राइट? जो याद करने वाली चीजें हैं, लाइक यहां पे क्या लिखोगे, स्टीटाइड सील्स, बस बात खत्म, इतने शब्द लिखने हैं। मोटिव्स क्या होते हैं, सिंबल्स, ठीक है जी? बस ये साथ साथ में चलता रहेगा, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम अगर टाइम ना हो, रिवाइज कर रहे हो, ये जो आसपास चीजें लिखी हुई हैं इनको देखोगे, सारी कहानी फ्लैशबैक कर जाएगी। ठीक बात है? ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है तो एग्जिट करके एंटर कर जाओ, इंटरनेट स्पीड चेक कर लो, अदरवाइज रिकॉर्डेड वर्जन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई कैन से, बट देयर इज सम इशू विद द ऑडियो, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑडियो परफेक्ट है। ठीक है जी, ऑलराइट। तो ये सील्स मिली हैं, प्लस ये सील्स जो हैं, शायद ये ट्रेडर्स का एक सिंबल था, सामान भेजना है, बोरी में पैक किया, उसको बंद किया, ऊपर अपनी ये सील से मोहर लगा दी। अगर ये सील इंटैक्ट पहुंच जाएगी, दैट मीन सब कुछ सेफ है। और कौन से व्यापारी ने भेजा, शायद ये उसका लोगो था, एंड प्रॉब्ली दीज लेटर्स वर ट्राइंग टू से समथिंग, मे बी द नेम ऑफ द ट्रेडर, राइट? दैट इज व्हाट हिस्टोरियंस थिंक, ये हो सकता है। यहां पे कुछ भी फाइनल नहीं है, बिकॉज इनकी स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए हैं, वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट, कुछ दिमाग में आ रहा हो? नथिंग, ऑलराइट। सो यहां पे समझाया गया है कि कैसे हम किसी कॉमन ऑब्जेक्ट्स वाले कल्चर को कल्चर बुलाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। हैड यू फाइंड सेम सॉर्ट ऑफ सिंबल्स, पत्थर, वेट्स, बीड्स, बीड्स तो पता है जो माला में डाले जाते हैं, राइट? मोती और वट एवर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट इलाकों में बोले जाते हैं, दीज आर नोन एज बीड्स। तो जब आपको सेम चीजें मिलेंगी, द सील्स, द बीड्स, द वेट्स, द स्टोन ब्लेड्स, एवरीथिंग लुक्स द सेम इन अ सर्टन जियोग्राफिकल एरिया, उसको हम क्या बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे पर्टिकुलर कल्चर। वहां के जो प्रेजेंट डे गांव वगैरह होते हैं, उसके नाम के ऊपर उस कल्चर का नाम पड़ जाता है, राइट? लाइक जोधपुर कल्चर, गनवेरी वाला कल्चर, ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं। एक दो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, उससे ज्यादा आपको नहीं पता होने चाहिए, इज इट फाइन? बिकॉज आपका सिलेबस क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका सिलेबस चेल्कोलिथिक कल्चर्स नहीं है, अनलेस अंटिल आप यूपीएससी में या वो हरियाणा सिविल सर्विसेज हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, राइट? फॉर पंजाब देयर इज नो ऑप्शनल, अदरवाइज कल्चर्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये बहुत ईजी चीज है, तो ये मान लिया जाता है, करवाने की जरूरत नहीं है, बट किसी को पता नहीं होता ये, ठीक बात है? दैट वॉट इज बी सी ई, वॉट इज सी ई,
राइट. सो बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट. प्लीज आगे से एनसीईआरटी अपनी साथ में रखनी, फिर मार्क करते जाओ क्या इंपॉर्टेंट हिस्से है, क्या कुछ हम टर्म्स सीख रहे हैं. एवरीथिंग शुड बी देयर. एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए आगे से. थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री खरीदनी नहीं है तो प्रिंट आउट करवा लेना, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी. जूम, फोटो जूम कर दें. लो जी, या तो जूम हो पाएगा या तो मैं लिख पाऊंगा, दो चीजें नहीं होती, राइट. सो ये फोटो है, इसीलिए एनसीईआरटी होगी तो और इजी हो जाएगा. तो चलो आज यू कैन सी दिस. ये सील्स क्वाइंस की तरह यूज होते थे, नहीं इसका कोई भी एविडेंस नहीं है. बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम समझते हो, एक चीज ली और दूसरी चीज दे दी. क्वाइंस का यहां पर करेंसी का कोई भी एविडेंस नहीं है. नॉट ओनली दिस एरा, इसके बाद कई 100 साल तक कोई भी करेंसी का एविडेंस नहीं है. सो वी कैन नॉट से, दूर दूर तक हम किसी भी तरीके से ये स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि जो सील्स थी वो क्वाइंस की तरह यूज होती थी. ठीक है जी. स्टीटाइट सेम एज सोप स्टोन? नो, नॉट एट ऑल. दैट इज नॉट इवन हार्ड इनफ. सोप स्टोन इज नॉट इवन हार्ड इनफ टू मेक सील्स, राइट. बहुत सारे डिफरेंट पत्थर आएंगे. अब मार्बल कैसा होता है, टाइल्स कैसी होती हैं, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये देखा जा सकता है, राइट. जैस्पर, स्टीटाइट, बड़े सारे पत्थर आएंगे जिनका इस्तेमाल ये सिविलाइजेशन कर रही थी. गूगल कर लेना, इमेजेस में चले जाना, एक बार दिख जाएगा. इज दिस फाइन? हाँ, बॉर्डर सिस्टम यू अंडरस्टैंड, तो वो मैंने आपको बता दिया. तो ये सारी साइट्स हैं, ये सारी क्या है, किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की. इंडस इज द रिवर, इंडस नदी की बहुत सारी और ट्रिब्यूटरीज हैं. कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, पांच नदियां पंजाब की. ये सारी जाके मिल जाती हैं कहां पर? इंडस में. ये रही इंडस, कैन यू सी दैट? तो यहां पे मिल गई ये नदियां, एंड दिस बिकम्स इंडस. जहां से इंडस फ्लो करती है, दैट एरिया इज नोन एज इंडस वैली. इंडस वैली अभी भी इंडस वैली है ना, क्या अभी भी सिविलाइजेशन है वहां पे? जो ये शहर मिले थे, दे आर नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. इज दिस क्लियर? कौन सी क्लास की किताब है जी, सब बताओ. हाँ राइट, 12th. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया 12th. इज दिस फाइन? ओके, तो यहां पे कुछ साइट्स हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम पंजाब ऑनलाइन? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम पंजाब? पंजाब की नदियां देख पाओगे? कैन यू टेल मी विच साइट इज दिस? हाँ जी, दिस दिस आपको मैं हिंट दे दूं, ये आ रही है सतलुज नदी, और यहां से आती हुई यहां से मुड़ जा रही है पंजाब के एक हिस्से में. जब हिमाचल से पंजाब में एंटर करती है तो बहुत एक तीखा मोड़ लेती है सतलुज नदी. पंजाब का मैप देखा कभी? नहीं, लग तो नहीं रहा. हाँ, नहीं, नॉट कश्मीर. सो दिस सिटी इज रोपड़, रूपनगर. इज दिस फाइन? तो ये भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है. वहां पे एक जगह है, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा आई एम श्योर, जहां पे महाराजा रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज रिवर इन रोपड़, राइट. वो अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है कि इस जगह पे किया था. उसके सामने इंडस वैली म्यूजियम है, जहां पे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, राइट. तो कभी जाओगे नेक्स्ट टाइम माथा टेकने, कहाँ जाओगे? रोपड़ के पास कौन सा गुरुद्वारा है? डेफिनेटली नॉट फ्रॉम पंजाब. हाँ, आनंदपुर साहिब, राइट. आज के बाद तब तक नहीं बोलना कि हम पंजाब से हैं, राइट, बिकॉज ये भी नहीं पता. अनंतपुर साहिब, ठीक है जी. तो जब वहां जाओगे तो थोड़ी अपनी हिस्ट्री भी देखते आना. फिर
ऑल ऑफ यू हु आर फ्रॉम लुधियाना, एक गांव है लुधियाना में जो अब शहर में ही आ गए, वो कौन सा है? सुनेत, सुनेत एक गांव है, सुना है? वहां पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा लैंड का पार्सल प्रिजर्व करके रखा हुआ है जहां पर किसी को जाने नहीं देते, दैट इज ऑल्सो अ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट? मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन आपके शहरों में घूम रही है लेकिन आप दूसरे शहरों में घूमते रहे, ठीक बात है? सुनीत, राइट, उच्चापिंड, बिल्कुल सही। सो दिस इज रोपड़, एंड यहां से देखो ना ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। प्लीज घर जाके अपने कमरों के अंदर मैप्स लगा लो अपनी स्टेट्स के, जिस भी स्टेट से आप हो, और इंडिया का। स्टेट्स पता ना होना और अपनी स्टेट के बारे में पता ना होना इज अ क्राइम फॉर विच यू शुड बी जेल्ड। पता होना चाहिए इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो ये सतलुज नदी है, ये यहां जाके मिल जाती है ब्यास नदी के साथ। कौन सी नदी के साथ? ब्यास नदी के साथ। कौन से इलाके में? द नेम इज हरी के पत्तन। क्या नाम है? हरी के, राइट? और ये क्या है? ये ब्यास नदी है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन सी नदी है? रावी। लिखा हुआ है, चीटिंग तो करो, चीटिंग भी नहीं कर रहे हैं। चाय कॉफी कुछ चाहिए? हुआ कुछ? कौन से? यस, आई एम जस्ट रावी, दिस इज फाइन, एंड दिस इज चिनाब, दिस इज जेलम। यहां से आ रही है इंडस, यहां पे आके मिल जाती हैं, और ये एक नदी बन जाती है पंजनाद में, जहां पे सब नदियां मिल जाती हैं। सब कुछ एटलस में दिख जाएगा आपको, सिर्फ एटलस देखनी है, पंजाब का मैप देखना है, इज इज फाइन। अब देखो आपको जिले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देने हैं, और आपकी ज्योग्राफी देखो तो यहां से लेकर वहां तक की जर्नी बहुत लंबी ना हो जाए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये सारी चीजें आपकी सराउंडिंग्स में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जिला कौन सा है, व्हाट इज माय डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर, इन योर पर्सनैलिटी टेस्ट, इन योर इंटरव्यू दे आर गोइंग टू आस्क यू, राइट? अब वो आपसे पूछ ले, इंटरव्यू लेने वाला जो तमिलनाडु से है, कि आप रोपड़ से हो, वहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक म्यूजियम है, आपको नहीं, मैंने तो नहीं देखा, राइट? कैसा लगेगा? इट विल बी वेरी बैड। इट इज लाइक समवन फ्रॉम अमृतसर, उसको गोल्डन टेम्पल का ना पता हो, फॉर दैट इंटरव्यूअर जिसकी अवेयरनेस उस लेवल पर है, उसको ऐसा फीलिंग आएगी कि ये अमृतसर से आया, मैंने इसको बोला कि गोल्डन टेम्पल गए हो कभी, कहे कि नहीं ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, क्या लगेगा आपको? दैट इज वॉट आई एम फीलिंग, राइट? जब आपको अपनी स्टेट के बारे में बिल्कुल बेसिक नहीं पता है, तो थोड़ा जल्दी सीखने की कोशिश करनी है, बाय मेकिंग योर सराउंडिंग्स सच दैट दे टीच यू, राइट? उठते बैठते हर जगह कुछ ना कुछ सीखते सीखते जाओगे। ऑलराइट जी, सो ये है मंडा, और एक बार जस्ट रीडिंग कर लेनी है, याद कुछ नहीं करना। आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर एनसीईआरटी रीड कर रहे हो फर्स्ट टाइम, याद नहीं करना कुछ भी, राइट? मंडा, दिस इज हड़प्पा, पाकिस्तान में चला गया ये। कौन सी नदी के ऊपर सिचुएटेड है? हड़प्पा, रावी, राइट? सो दिस इज गनवेरी वाला, यहाँ के कल्चर को हम गनवेरी वाला कल्चर भी बोलते हैं। कोट डीजी, चन्नू दारो, कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, पोर्ट्स भी हैं, देख रहे हैं आपको, समंदर के पास हैं, पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर आपको शिप्स के बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे, ठीक है जी? ऑलराइट, सो बस इसको एक बार ऑब्जर्व करना है, कुछ भी याद नहीं करना। एक और नाम मैंने लिया था, वो क्या था? रखी गढ़ी। रेज योर हैंड्स ओनली, एंड ऑनलाइन आप सब लिखोगे। मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि रखी गढ़ी कौन सी स्टेट में, जस्ट रेज योर हैंड्स, बोलेगा कोई नहीं, रेज योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन राइट डाउन, रखी गढ़ी इज इन विच स्टेट? इज इट इन हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा? यू नो ऑलमोस्ट डेली आई गेट सरप्राइज कि ऑनलाइन बच्चों की अटेंशन ज्यादा होती है, ऐसा उल्टा होना चाहिए ना, यहाँ पे इतने आंसर्स आते हैं, यू कैन कमेंट सी, और ये एक दूसरे के आंसर्स नहीं देख पाते,
नहीं देख पाते ना. सो एवरीबडी इज राइटिंग परफेक्टली करेक्ट, एवरीबडी. अब जिसके हाथ नहीं खड़े, यू शुड पे अटेंशन. हाँ जी कोई बता दो. हाँ जिसको लग रहा है. हाँ हरियाणा हरियाणा, अभी बताया मैंने. अटेंशन की कमी बहुत नुकसान करेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये. इसकी अभी बीमारी की दवाई बनी नहीं है, ये तो मैं अपने पैसे पे खिलाता. पहले होता था इसका इलाज, अब पिटाई करनी मना कर दी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में. राइट, पहले अटेंशन की कमी का बहुत अच्छे इलाज थे जब हम स्कूल में थे, जैसे ही हम निकले तो पता लगा कि अब पिटाई नहीं होगी. हाँ मोबाइल आ गए, बिल्कुल सही बात है, दैट इज वन बिग इशू. अभी भी मन कर रहा है ना फोन निकालने का, नोटिफिकेशन देख लें जरा, थोड़ा थोड़ा करता ही रहता है हमेशा जैसे फ्री होके बैठे. चलिए सो काइंडली पे अटेंशन, बिकॉज मैं 100 बोलूंगा आप 10 सुनोगे तो क्या ही फायदा, और उसमें इलाज क्या है उसका, व्हाट डू वी डू देन. गलती किसकी है, किसी की नहीं है, मेरी है. बोलो हमारी है, देख रहे हैं साड़ी. गुड राइट. सो टेंशन का मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज पे अटेंशन. आगे भी पूछता रहूंगा, आगे भी आप जवाब नहीं दोगे और यही चलता रहेगा. बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, बीसीई स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा. नाउ इसकी बात कर लेते हैं. सो देयर वाज दिस टाइम लाइन जो आपने मैथ्स में सीखी थी, है ना, आपको सिखाया गया था बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनो. सो मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के आने से पहले, और एनो डोमिनो, क्राइस्ट के आने के बाद. डेथ का यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आफ्टर डेथ का देयर इज नो सच थिंग. ठीक है जी, इज फाइन. एनी कंफ्यूजन, वो गलत सिखा दिया आपको आफ्टर डेथ. कई बच्चे बहुत स्ट्रेंज लुक्स दे रहे हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया. नहीं, आई एम फाइन राइट, बिकॉज बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ मीन्स वेयर वॉज क्राइस्ट, 0 ईयर्स ऐसा था ना, 10, 9, 8, 7, क्राइस्ट के आने तक का काउंटडाउन. उसके बाद क्राइस्ट आ गए तो दुनिया स्टार्ट हुई. इफ यू सी हिस्ट्री फ्रॉम दिस वेस्टर्न क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव, बट क्योंकि हम इस तरीके से नहीं देखना चाहते तो हमने नए नाम रख लिए. हमने इसको क्या बुला दिया, कॉमन एरा, और इसको बुला दिया बिफोर कॉमन एरा. इज दिस क्लियर, ठीक बात है जी. बस वही बीसी और एडी जो हमने सीखा था, अब हम उसको क्या बुलाते हैं, बीसीई यानी बिफोर कॉमन एंड कॉमन एरा. राइट, लाइक नंबर लाइंस ऑफ इंटीजर्स. ठीक है जी, तो ये भी एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ी जाती हैं बिकॉज बहुत बेसिक ले जाती हैं वो. राइट, सो नोबडी इज गोइंग टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि वो आपको इतनी बेसिक चीजें बार बार हमेशा ही बताता रहे. जो 6th क्लास 7th क्लास की बातें हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन बना देते हैं. ठीक है जी, देन सम प्लेसेस स का शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, CIRCA, दिस मीन्स अप्रोक्सीमेट. कई बार हमें नई तारीख पता होती, जैसे इसकी भी प्रिसाइज डेट हमें नहीं पता. ये जो हिस्ट्री चल रही है, वी डोंट नो द 100% प्रिसाइज डेट कि कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया. तो क्या होता है, वी यूज 2500 BCE सर का अप्रोक्सीमेटली. इज दिस क्लियर, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं. सो कैसे बिगिनिंग होती है, तो डिफरेंट फेजेस हैं. अर्ली हड़प्पन पीरियड है, मेच्योर हड़प्पन पीरियड है, एंड देन लेट हड़प्पन पीरियड है. सो बड़े ध्यान से सुनना, अर्ली, सो हड़प्पन पीरियड जो मेच्योर है, मतलब जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम कॉमनली हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल देते हैं, वो कौन सा फेज है, वो मेच्योर फेज है. राइट, सो ये सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट अर्बनाइजेशन. ठीक है जी, इसको हम सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये शहर थे, ये गांव नहीं थे. तो जब शहर सबसे बड़े सबसे बढ़िया बन रहे थे, जब सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा था, उस जमाने को हम बोलते हैं
मिच्योर हड़प्पन पीरियड, इज इज फाइन। जब ये रूरल सोसाइटीज से अर्बन की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज अर्ली हड़प्पन, देन मिच्योर आ जाता है, फिर इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी लेट हड़प्पन पीरियड, इज इज फाइन। अर्ली हड़प्पन पीरियड, जल्दी 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 बोल दो, अर्ली हड़प्पन पीरियड, सेकेंड वॉज, जल्दी थर्ड वॉज लेट। एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई समझाना चाहेगा यहां पे आके? अभी तक हमने क्या किया? एनीवन? चलो रहने दो। अर्ली, राइट? सो देखो, सारे कल्चर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, एवरीथिंग वॉज अ कल्चर, लेकिन उसमें से एक कल्चर था जो कुछ डिफरेंट यूनिक फीचर्स दिखाता है। उसने बहुत बड़े शहर बना दिए, बहुत बड़े घर बना दिए, वो ट्रेड कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके कनेक्शंस बाहर की दुनिया के साथ हैं, राइट? जब ये होना स्टार्ट हुआ, फ्रॉम रूरलाइजेशन टू अर्बनाइजेशन की ओर जब बढ़ रहे हैं, दैट इज द अर्ली हड़प्पन पीरियड, इज इज फाइन। जब ये बिल्कुल शहर बन गए और ये सिविलाइजेशन अपनी पीक पे थी, उसको हम क्या बुला रहे हैं? मैच्योर हड़प्पन पीरियड। एंड देन डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, जिसके कुछ कारण भी हमने डिस्कस कर लिए, जैसे कि जी हाँ, डिक्लाइन ऑफ मॉनसून और क्लाइमेट चेंज और नहीं, हाँ, ड्रॉट्स नहीं, वो एग्जाम्पल थी, यहां पे नहीं आए। हाँ, सेडिमेंटरी डिपॉजिट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, क्लाइमेट चेंज, वाटर शॉर्टेज, आउटसाइड इन्वेजन की थ्योरी गलत है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है जी? तो इसलिए एक यहां पे भी आया, एक यहां पे भी आंसर आया, इसलिए आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट, वो गलत थ्योरी है, वो एक किताब में एक कहानी को बड़ी जबरदस्ती कुछ स्केलेटन्स के साथ रिलेट कर दिया गया, राइट? अब देखो, इसके बाद आएंगे वैदिक कारें, ऋग्वेद लिख देंगे, उसमें कुछ अपनी कहानियां लिख रहे हैं वो संस्कृत के अंदर, राइट? मंत्र लिख रहे हैं, जिसको हम श्लोक बोलते हैं, तो उसमें एक लड़ाई की कहानी है, उसको रिलेट कर दिया कि इनके साथ हुई थी, इनके कोई मास स्केलेटन्स भी नहीं मिले, लड़ाई होती है तो लोग मरे होने चाहिए, लेकिन इतने स्केल पे लोग नहीं मरे एक साथ, राइट? सो दैट इज वाई वो थ्योरी सही नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। फ्लड वॉज अ रीजन। हाँ जी दलजीत, यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? जिन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं, नितिन, हरमन एंड दलजीत, एनी क्वेश्चन? एंड Q&A में मत लिखा करो। दीवांशी, पूजा, चैट सेक्शन में लिखो, Q&A में मत लिखो। वाई मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड एनिमल ऑन दी सील्स इज यूनिकॉर्न बुल? नहीं, हु सेड दैट? वाई मेसोपोटामियंस यूज द वर्ड मलुहा? मैंने बताया आपको मलुहा? नहीं, अभी अभी रुक जाओ। वाई डू यू वॉन्ट टू पुट एवरीबडी एल्स एट सेल्फ डाउट? है ना, मिलुहा आएगा जब तो हम डिस्कस करेंगे। अब वाई का कोई आंसर ही नहीं है। अब मेसोपोटामियन लोग मलुहा को मलुहा क्यों बुलाते थे और दिलमून को दिलमून क्यों बुलाते थे, ये तो वही बता सकते हैं, है ना? हम दिल्ली को दिल्ली क्यों बुलाते हैं, ये तो कोई लाइक, इजन इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। सो अभी इन क्वेश्चंस पे हम आएंगे, क्या होता है जब बाकी बच्चों को अभी नहीं आता होता, एंड कोई भी आज से 10वीं क्लास का सवाल पूछ लेगा, मैं अगर जवाब दे दूं, एवरीबडी विल फील लाइक कि हम कितने नालायक हैं, ऐसा ही होगा कि नहीं? सो मैं तो बैठ के डिस्कस करना चाहता हूं और बढ़िया हिस्ट्री, राइट? उपेंद्र सिंह की किताब डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपके साथ, बिकॉज आई लाइक दीज डिस्कशंस, बट नॉट येट, अभी नहीं,
करेंगे, टिल मून एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? एंड अभी चैट सेक्शन में सारा कुछ लिखेंगे, क्यू एंड ए में नहीं लिखेंगे। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं। सो बिगिनिंग कैसे हुई? आई हैव टोल्ड यू अर्ली हड़प्पन, देन मेच्योर, देन बस शहरीकरण होना स्टार्ट हुआ था, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई है। अर्बनाइजेशन के कुछ फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए कि राइटिंग होती है, ट्रेड होता है। आज भी शहर क्या होता है? जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम हो, नॉन एग्रीकल्चरल ज्यादा हो, बस वही ट्रेड भी वही होता है। जब सील्स, पॉटरी, बीड्स, ज्वेलरी, ये सब बना बना के बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है, राइट? ये सब हो रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट इज सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। ये क्या होती हैं कि ये अपना गुजर बसर कैसे कर रहे थे, हाउ वर दे सर्वाइविंग? सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, इट मीन सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज, लिख लो। बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूं, यू शुड राइट इट डाउन, बिकॉज अदरवाइज यू विल से दैट सर आई डू नॉट अंडरस्टैंड वोकैबुलरी, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। योर फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, दैट्स ग्रेट, राइट? ग्रोइंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी मतलब क्या खाते थे। सो ये किसने पता लगाया? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियो बॉटनिस्ट ने, जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, दे आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजी होती क्या है? खुदाई करना, एक्सकेवेशन करना और कुछ हार्ड एविडेंस निकालना, जिसको स्टडी करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस जमाने में समाज में क्या होता होगा, रूलिंग क्लास कौन सी होगी, क्या समाज के डिफरेंट हिस्सों में कोई डिफरेंसेस थे, खाते क्या थे, मेन क्या कर रहे थे, वुमेन क्या कर रही थी, क्या भगवान में विश्वास था या नहीं था, क्या मंदिर थे या नहीं थे। ये सब चीजें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें बताता है। तो अभी हमने तीन तरीके के एविडेंस भी डिस्कस किए। नंबर वन वॉज आर्कियोलॉजिकल, नंबर टू वॉज न्यूमिस्मैटिक, तीसरा कौन सा था? लिटररी, किताबें। ठीक है जी, इज फाइन। ऑलराइट, सो दीज आर डिफरेंट साइट्स जो मिली हैं सिंध में, चोलिस्तान में। कहां कहां पे? सिंध और चोलिस्तान। चोलिस्तान कहां पे? हाँ बस, अब ये बात है, एनसीईआरटी कई बार आपको पासिंग रेफरेंस में बता देती है, जैसे यहां पे क्या बताया हुआ है, द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, राइट? इफ यू मिस सच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाइल रीडिंग एनसीईआरटी, तो बहुत कुछ आपके सामने से निकल जाएगा। लाइक आप किसी से पूछोगे जिसने ये एनसीईआरटी पढ़ी होगी, चोलिस्तान कहां पे, उसको नहीं पता होगा, राइट? बिकॉज समहाउ योर ब्रेन इज नॉट ट्रीटिंग दीज टेबल्स दैट दे आर इंपॉर्टेंट समहाउ, बट मे बी समथिंग इन दीज टेबल्स इज इंपॉर्टेंट। ये साइट्स कितनी कहां पर मिली हैं अर्ली पीरियड में, मेच्योर में, ये आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है। इसीलिए मैंने बोला, इफ यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप कुछ भी याद मत करो, आप जस्ट जानो, कहानी समझो, दैट्स इट, राइट? सो सिंध कहां पे? पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी कौन सी है? इंडस रिवर, जो अभी हमने देखी, उसके आसपास का एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, विच इज सिंध प्रोविंस, राइट? चोलिस्तान, थल, THAL, थारनी, थल, ये दो डेजर्ट है पाकिस्तान में, राइट? कुछ हिस्सा डेजर्ट का इंडिया में भी है। इन सभी हिस्सों को मिला के हम बोलते हैं द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट। इज दिस क्लियर? डेजर्ट के बारे में तो पता है। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं ऑल ऑफ यू? सर सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज, ठीक है? यहां थार लिखा है, कहां बिल्कुल सो आई एम नॉट, वही तो मैं कह रहा हूं, इंडिया के थार के साथ लगता है चोलिस्तान, उसके साथ लगता है थल, राइट? THAL, थल डेजर्ट पाकिस्तान सर्च करना, यहां पे नहीं है थल डेजर्ट, राइट? और ये जो रिसर्च है आप खुद भी करो तो आपकी नॉलेज बहुत आगे चली जाएगी। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च, अंडरस्टैंड दिस, इज इज क्लियर? सो दैट इज वॉट, ये पूरा जो है इसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट।
उसके डिफरेंट हिस्से हैं, इंडियन थार डेजर्ट, चोलिस्तान, थल, राइट। तो इन इलाकों में जो आज डेजर्ट है, इतनी इतनी हमें साइट्स मिली। नाउ सी, अर्लियर अपन साइट्स कम है, मेच्योर बहुत सारी हैं। उसके बाद अर्ली हड़प्पन साइट्स अबैंडन्ड कितनी मिली हैं, सो दैट मींस मूवमेंट हो रही थी, कुछ शहर बस रहे थे, कुछ शहर छोड़े जा रहे थे, ठीक बात है। कुछ कारण रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे, नोबडी नोज दैट, किसी को नहीं पता, बिकॉज बता के नहीं गए, ना ही लिख के गए हैं, शायद लिखा हो, समझ नहीं पा रहे हैं हम, ठीक बात है जी, इट इज फाइन। तो कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के अभी भी मिस्ट्री हैं, हिस्टोरियंस स्पेकुलेट करते हैं कि ये हुआ होगा, नोबडी नोज फॉर श्योर, इज इज क्लियर। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में क्विकली रीड कर लेते हैं क्या कुछ करते थे। आर्कियो बॉटनिस्ट ने हमें बताया, बॉटनी इज द साइंस रिलेटेड टू प्लांट्स, राइट। तो प्लांट्स, कुछ ग्रेन्स, कुछ उसके रिमेन्स हमें मिले हैं, उनको स्टडी करके हमने देखा कि कौन कौन से ग्रेन्स, कौन कौन सा अनाज ये खाया करते थे, सो वो कौन सा है। नाउ सी, बार्ले, व्हीट, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, राइट। अब आपको नहीं पता ये क्या है, नहीं पता, आप घर में ये तो नहीं नाम लेते, ये है सत्तू, तिल, राइट, हाँ, दाल, लेंटिल इज अ पल्स, ये दाल है, तो ये चने बीच में से, तो ये अब ऐसी बेसिक वोकैबुलरी तो देखो सर्च कर लेनी चाहिए, नहीं तो मैं बता दिया करूंगा, आपके राशन की लिस्ट बन जाएगी। स्वीट, बार्ले, तो ये बेसिक जो आज खाते हैं हम, वही सारा कुछ है। राइस मिला है लेकिन कम मिला है, राइट, विच इज वेरी नेचुरल। आज भी इस इलाके की जो नेचुरल स्टेपल डाइट है वो चावल नहीं है, राइट। रोज चावल तो नहीं खाते, राइट, कोई नहीं खाता, इस इलाके का नहीं है। यहां पे क्या है, वीट, और सेकंड इज, नहीं, पंजाब की बात करें तो कौन कौन सी रोटियां बनती तुम्हारे घर में, हाँ, मक्की मक्की, हाँ, राइट। बाजरा कहां पे बनता है, विच स्टेट, मेज, राइट, राजस्थान, राइट। तो यहां की चावल नहीं है, जो भी है डिफरेंट है, लेकिन चावल नहीं है, चावल कम खाए जाते, क्यों, क्योंकि यहां पर पानी की कमी थी, ठीक है जी। कोस्टल रीजन्स में, साउथ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में चावल बहुत खाए जाते हैं, पानी अबंडेंस में अवेलेबल है, राइट। बस इसके अलावा एनिमल बोन्स मिली हैं। अब यहां से हम ये, अगेन आई एम टेलिंग यू, रट्टे नहीं मारने बैठ जाना कि मिलेट्स मिले हैं गुजरात से तो उसको रट्टा मारने बैठ जाओ, साइड पे लिख दो, बाद में याद करने आ जाएंगे, राइट। ऑन मिलेट्स गुजरात, डिफरेंट ग्रेन्स कौन कौन से, वीट, बार्ले, लेंटिल, सेसमम, ये सारा कुछ, इनके हिंदी नाम नहीं पता वो भी लिख लो, ठीक बात है, ताकि दूसरी रीडिंग में काम बहुत आसान हो जाए, एक रीडिंग तो मुश्किल होने वाली है एनी हाउ, राइट, नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जर्नी। तो एक रीडिंग में मुश्किल आएगी, दूसरी में भी आएगी अगर पहली रीडिंग अच्छी नहीं की तो, राइट, फिर हमेशा ही आएगी, तो फर्स्ट रीडिंग शुड बी वेरी गुड। तो साइड में नोट्स बनाते रहना। फिर कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग, ये सारे मिले हैं यहाँ पे, घड़ियाल, बोर, डियर, इनकी भी हड्डियां मिली हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स वर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिकेटेड, हाँ, मतलब पाल ली है, तो इनको कैसे पता लगा। सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, जहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन है वहां पर कुछ जानवरों के कंकाल दफनाए गए, वाइल्ड एनिमल्स के साथ तो ऐसा कोई नहीं ना करेगा, क्या करेगा कि जंगलों में कंकाल ढूंढ के दफनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सो रिस्पेक्टफुली, अगर किसी का बरियल हुआ है, दैट कैन बी वन एविडेंस, किसी ह्यूमन के साथ डॉग की ग्रेव कॉमन मिल जाती है, दैट कैन बी वन एविडेंस, तो इस तरीके से कुछ अंदाजा लग जाता है, इज इज फाइन। ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास ज्यादा जो हड्डियां मिलेंगी वो जानवर डोमेस्टिकेटेड हो सकते हैं, सही बात है, कि शहरों में शेर भी घूम रहे थे, ये तो नहीं हो सकता, इज इज फाइन। तो इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है दैट सम ऑफ दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, एंड ये कुछ हमें बोन्स वगैरह मिली हैं, फिश, फाउल। आपने क्या करना है, यहां से नोट मेकिंग कैसे करनी है, फिश,
फाउल, घड़ियाल, डियर, बोर, इन जानवरों के नाम साइड पे लिख लेने बस। सबसिस्टेंट, जो सबसिस्टेंस पैटर्न का एक नोट है आपका 10-15 शब्दों के अंदर बन जाएगा, नॉट मोर देन दैट, देन दैट इज नॉट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इज फॉर रिविजन। दोबारा से बोलो सभी, नोट मेकिंग इज फॉर रिविजन, बिकॉज यू आर गोइंग टू आस्क मी अगेन एंड अगेन, है ना, कि न्यूज़पेपर के नोट बनाने हैं, इसके नोट बनाने हैं, उसके। आपको अगर आते हैं नोट बनाने तो बना लो, लेकिन अगर आप सारी किताब ही लिख लेते हो, दैट इज नॉट नोट मेकिंग, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आर यू गेटिंग इट? और फिर अगर आपको ये पता नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपने कम इंपॉर्टेंट चीजें सारी किताब से नोट डाउन कर ली किसी नोटबुक पे, इंपॉर्टेंट चीजें यही रह गई, दैट इज ऑल्सो नॉट नोट मेकिंग, वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है जी। हाईलाइटिंग द एनसीईआरटी, नंबर वन, नंबर टू, मेकिंग सम शॉर्ट नोट्स इन द बुक इटसेल्फ इज अ बेटर आइडिया, इज इज फाइन। हाँ, अपने आप मर गए होंगे और फिर डीकम्पोज हो गए होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब ह्यूमन सिविलाइजेशंस जहां पर हैं, जहां पर हमारा शहर है, वहां पर वाइल्ड एनिमल्स के कंकाल नहीं ना मिलने चाहिए आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, सही बात है। जहां पर घरों के स्ट्रक्चर्स हैं, वहीं पर कुछ जानवरों के बहुत सारे कंकाल मिल रहे हैं, दैट इज अ सिग्नल, राइट और रॉन्ग? जहां पे घर नहीं है, जहां पर वाइल्ड है, फॉरेस्ट है, वहां पर सारे वाइल्ड एनिमल्स के कंकाल मिल रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो हिंट। अगर हम एक रीडिंग एनसीईआरटी की करते हैं, देन आफ्टर दैट रीडिंग अ स्टैंडर्ड बुक अगेन एंड अगेन विल बी फाइन, डिपेंड्स। वी कैन नॉट मेक सच अ पासिंग स्टेटमेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, द स्ट्रेटजी फॉर एवरी सब्जेक्ट इज डिफरेंट। व्हेन इट कम्स टू एंशियंट एंड मिडीवल एनसीईआरटीज, नो यू कैन नॉट डू दैट, देर इज नो स्टैंडर्ड बुक। है कोई स्टैंडर्ड बुक? नहीं है, है ना? तो यहां पर एनसीईआरटी के ऊपर रिलायंस बहुत बढ़ जाता है। सिमिलरली ज्योग्राफी, हाँ, फॉर मॉडर्न हिस्ट्री यू कैन डेफिनेटली डू दैट, उसमें आप कर सकते हो, राइट? बट क्या होता है, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इग्नोर हो जाए, तो सरकार ने, अगेन आई एम टेलिंग यू, पेपर डालना एनसीईआरटी से ढूंढ के, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन एंड शुड बाय दोज एक्सपेंसिव बुक्स, राइट? लेकिन उसके बिना सरता नहीं है, लेकिन सरकार बीच में कोशिश करती है कि एनसीईआरटी से कुछ डाल दें। ठीक है जी। सो दैट इज वाई एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए फॉर मेनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए आप खुद समझना स्टार्ट कर दोगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है जी, दिस इज फाइन, एंड पे अटेंशन हियर ऑल ऑफ यू, नो हाइडिंग बिहाइंड ईच अदर, एक दूसरे के पीछे नहीं छुपना। अभी हो यहां पर तो टाइम काटना ही पड़ेगा, तो छुप के नहीं कटेगा, एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं, एज अ मुझे भूल ही जाएगा कि यहां पर कोई बंदा, इंसान बैठा हुआ था, अब नहीं है। इज इट क्लियर? सबसिस्टेंस पैटर्न समझ आ गए? तो ये अनाज आता कहां से था, दैट इज द नेक्स्ट थिंग, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये मिट्टी को तैयार कैसे करते थे बीजने के लिए, सो प्लोज मिले हैं हमें, हल मिले हैं प्लोइंग करते हुए, असल में नहीं मिले बिकॉज वो तो शायद लकड़ी के होंगे, वो नहीं मिले असल में, लेकिन एक पत्थर है टेराकोटा, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है टेराकोटा का बना हुआ बोल, ऐसे डिफरेंट पत्थरों से बनी हुई डिफरेंट चीजें मिली हैं, कहीं पर हल मिला है, प्लो मिला है, कहीं पर बुल मिला है, दैट मीन्स बुल पता था। कैन यू सी दिस? कैन यू सी समथिंग अराउंड हिज नेक? सो वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि ये डोमेस्टिकेटेड था, ये पालतू था, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, ग्रेन्स थे, एग्रीकल्चर हो रहा था, और फिर हमें कुछ एरिया से, लाइक इन काली बांगन राजस्थान, काली बांगन राजस्थान हो गया याद, आर यू श्योर? पहले हरियाणा की कौन सी साइड थी, कौन सी? हाँ,
राखीगढ़ी, एंड दिस इज व्हाट, कालीबांगन राजस्थान। यहां पे एक फील्ड को प्लो किया गया था, एक खेत में हल का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हुआ, एंड समथिंग हैपेंड, उसके बाद वो फील्ड वैसा ही हमें मिला, राइट? इज दिस फाइन? ऑलराइट, सो दैट इज वन एविडेंस। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, हल, बुल, सील्स के ऊपर बना हुआ बुल, वो भी हमें बताता है एग्रीकल्चर कैसे होता होगा। इज दिस फाइन? डिफिकल्ट? डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, बोरिंग चाहे बोल दो वो कह सकते हो, बट डिफिकल्ट तो नहीं है। लग रहा है तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं, और मैथ्स, टाइम एंड वर्क। ऑलराइट जी, इज दिस फाइन? ऑलराइट, सो ये हमें यहां पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं। फिर इरिगेशन कैसे होती थी और कटाई के टूल्स क्या थे? अब देखो यहां पर इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल होता था, ये आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया कुछ, राइट? डिड द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड्स, सेट इन वुडन हैंडल्स, लकड़ी के हैंडल्स में पत्थर के ब्लेड्स थे क्या? दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, नोबडी नोज दैट। इसका किसी के पास आंसर नहीं, जहां पे एविडेंस नहीं मिला वहां पे अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हार्वेस्टिंग तो होती होगी, फसल बीजी जा रही है और खाई भी जा रही है तो काटी भी जा रही होगी, ये तो हम समझ गए हैं। देन इरिगेशन, उसके लिए कनाल्स का एविडेंस मिला आपको, कहां पर मिला है? इन द हड़प्पन साइट ऑफ शाटुघाई इन अफगानिस्तान, राइट? ध्यान से, अटेंशन से जब रीडिंग करोगे बहुत सारी साइट्स आपको याद हो जाएंगी। फिर जो आपकी बुक है एंशियंट हिस्ट्री की, जहां पर सारा डाटा एक जगह पर मिल जाएगा, वहां पर क्रैमिंग विल नॉट बी अ हेडेक फॉर यू, राइट? बिकॉज आपको कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी यहां पर कहानी पढ़ते हुए याद हो गए होंगे, 10%, 20%, वट एवर, सीधा वो बुक आपके हाथ में आ जाएगी, यू विल फाइंड एवरीथिंग वेरी डिफिकल्ट। इज दिस फाइन? राइट, यू आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, टाइम एंड वर्क, गुड। लेकिन वो पूछा नहीं जा रहा सिविल सर्विसेज में, केमिस्ट्री। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, सो शाटू घई कहां पे है? ये भी एक हड़प्पन साइट है, सो सारे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। यू कैन सी दिस एरियाज ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन, राइट? ऑल दीज ब्लैक डॉट्स, यहाँ पे अर्ली हड़प्पन साइट्स थी, इनमें से कुछ डेवलप हो गई इनटू द मैच्योर हड़प्पन साइट्स, बड़े शहर जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इज दिस फाइन? देन अब ये खाना, कुकिंग पे आते हैं। अब पहले हमने क्या डिस्कस किया, खाते क्या थे, कुछ प्लांट्स, कुछ जानवर, उसके बाद एग्रीकल्चर कैसे होता था वो भी देख लिया। अब कुकिंग के क्या एविडेंस मिले हमें, ये कुछ मिला है, राइट? जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इस तरीके के कोन्स मिले हैं जहां पर ये चटनी वगैरह बनाते होंगे, बिकॉज यहां पर ये भी एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट सर्च कर लेते हैं कि कुछ में वर्टिकली हिट किया जा रहा है पत्थर को, कुछ में उसको घिसा जा रहा है। इज दिस फाइन? तो दोनों डिफरेंट तरीके कुकिंग प्रोसेस के लिए यूज किए गए होंगे, राइट? तो वो भी यहां पे क्लियर हो जाता है। इज दिस क्लियर? दीज आर सम ऑफ द टूल्स जो हमें मिले इन इलाकों से, ये बोल आपने देख लिया। ऑलराइट, नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिटी, मोहनजोदड़ो। जो सबसे पहली सिटी मिली थी कौन सी थी? हड़प्पा, राइट? दैट इज वाई द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड जो सबसे बड़ा शहर कुछ सालों पहले तक माना जाता था, दैट वॉज दिस मोहनजोदड़ो, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सिटी बिकॉज एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस किया, बड़ा है और यहां पर सारे प्रोमिनेंट फीचर्स मिलते हैं अर्बनाइजेशन के, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सभी शहरों में मिलते हैं। इज दिस क्लियर? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, सेकेंड टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस, थर्ड टाइम यू विल टेल मी। हर शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था, नंबर वन वॉज, नंबर टू वॉज वॉट, लोअर टाउन, निचला इलाका और ऊपर वाला इलाका, सिटेडल यानी एक रेज्ड प्लेटफॉर्म। यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल रही हैं,
ऑल द बिग बिल्डिंग्स बिगर इन साइज, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स रही होंगी, वो आपको यहां पर मिलती हैं। इसके आसपास दीवार मिलती है, राइट? किसी भी शहर को रेज्ड बनाना और उसके आसपास दीवार बनाना शायद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा, फिजूल में तो नहीं किया जाएगा। मे बी फ्लडिंग से प्रोटेक्शन हो सकता है कि नीचे रहेगा तो बाढ़ आ जाएगी तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। और एक ये निचला इलाका जो था, इसमें आपको छोटे छोटे घर मिलते हैं, इनफैक्ट क्वार्टर्स मिलते हैं जहां पे वर्कर्स रहते होंगे। अब हमें कैसे पता वर्कर्स थे, बताओ? हाँ, अच्छा ट्रेड हो रहा था, कुछ सामान वैसा होगा। एग्जैक्टली, राइट राइट। सो द मटेरियल, अगर आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिलेंगे तो प्रेशियस, इज इट? अगर आपको क्ले की चीजें मिलेंगी और अच्छे से बनी नहीं हुई, और मिलेंगी छोटे छोटे घरों में, और प्रेशियस चीजें मिलेंगी परफ्यूम की बॉटल्स की तरह छोटी छोटी शीशियां, जो बहुत दूर से आया हुआ पत्थर है, अफगानिस्तान से, ईरान से, वहां से आया हुआ पत्थर, उसकी वो शीशियां बनी हुई हैं। दैट मीन्स प्रेशियस, किसी के शौक हैं। ठीक बात है? इस तरीके से हमें सोशल डिफरेंसिएशन भी पता लग गई। इज दिस फाइन? आर यू गेटिंग दिस? यस ऑलराइट। सो ये अर्बनाइजेशन, एक शहर की स्टडी हमें इतना कुछ बता देती है, कहां पे ज्वेलरी मिली, ये डिफरेंट साइट्स जिनकी खुदाई हो पाई उसके नाम दिए गए हैं बाय डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट। इज दिस फाइन? ऑलराइट। सो ये था मोहनजोदड़ो। फिर यहां पे आपको बड़ी बड़ी ग्रीनरीज मिलती हैं, जहां पे एविडेंस मिलता है कि यहां पर अनाज स्टोर किया जाता था, शायद सारे शहर के लिए। आज भी गोदाम होते हैं सरकार के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, वहां पे बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। मे बी देवर ऑल्सो डूइंग इट। एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी, एवरीथिंग दिख रहा है ना आपको एनसीईआरटी में। हाउ डिड द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हेयर एज देयर वॉज एनी किंग और क्वीन? हाँ, उस पे भी आएंगे, राइट? ये शायद किंग है इनका, ये देखो इतनी आगे की बात पूछ ली तो मेरे को आना पड़ा। तो ये शायद किंग है, क्या लिखा हुआ नीचे? प्रीस्ट किंग, पंडित जी और किंग, दोनों एक ही आदमी। अब ऐसा एस्टिमेट क्यों लगाया? बिकॉज बाकी सिविलाइजेशंस जिनकी हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, वहां पर ऐसा होता था, मेसोपोटामिया में। तो अंग्रेजों ने बैठ के एस्टिमेट लगा लिया, लेकिन बाद में हिस्टोरियंस ने कहा कि हर चीज उनके हिसाब से क्यों कंपेयर करते हो, राइट? मे बी दिस वॉज नॉट अ किंग, शायद बहुत सारे किंग थे, शायद हर शहर का अपना एक किंग था, शायद कोई रूलिंग क्लास थी ही नहीं, राइट? आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है? एक तो देखो वर्कर्स थे, इसका अंदाजा हमें सबसे ज्यादा इस बात से होता है कि इतने बड़े स्केल पे कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा था, मजदूर कर रहे होंगे, सही बात है? इतने सारे शहर बन गए, अफगानिस्तान से लेके महाराष्ट्र तक, यूपी तक, जम्मू तक, कोई वर्कर तो होगा, लाखों वर्कर्स होंगे, उनके घर आपको नजर आ रहे हैं। फिर ये बीड्स कौन बना रहा था, पॉटरी कौन बना रहा था, ऑल दीज थिंग्स, मेटल वर्क कौन कर रहा था, ज्वेलरी कौन बना रहा था, वर्कर्स वर देयर। ठीक है जी? नाउ डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट कहानियां बताई। सम हिस्टोरियंस सेड कि कोई रूलिंग क्लास नहीं रही होगी, सम सेड एक ही राजा था, एंड सम सेड हर शहर का अपना राजा हो सकता है। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है। और सो द आंसर इज कि क्योंकि हर शहर के अंदर एक साइज की ब्रिक है, मतलब एक स्टैंडर्ड रखा गया, राइट? दैट इफ वन इज द हाइट, 1 इंच इज द हाइट ऑफ द ब्रिक, देन द लेंथ इज गोइंग टू बी 2, ब्रेथ इज गोइंग टू बी 4, एंड सो ऑन। ठीक है जी?
ये किसने बताया? जम्मू में भी, मंडा साइट के अंदर भी, पलवन महाराष्ट्र में भी, आलमगीरपुर यूपी में भी, रोपड़ में भी, शाटूघई अफगानिस्तान के अंदर भी। किसने बताया कि एक ही साइड साइज की ब्रिक रखो? शायद इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रूलिंग क्लास होगी, राइट? यहाँ पे एक फोटो आई थी, एक देयर वाज एन इमेज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स होते हैं, डू यू नो वेट्स? तकड़ी पे रख के तोला जाता है, तो शायद वो वेट्स भी सेम इसीलिए हैं, बिकॉज सो देन द स्क्रिप्ट इज कॉमन, द सील्स आर कॉमन। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आई थिंक दैट पेज इज मिसिंग। यहां पे है देखना, वेट्स मेजर्स, नीचे चमकदार सिलेंड्रिकल चीजें पड़ी होंगी पेज में, राइट? सो दैट मींस जो तोलने वाले भार थे वो भी, उनका क्या वेट था? इट वॉज 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, 16, 32 इस तरीके से, राइट? हाँ हाँ नहीं, चलो वो विल व्हेन विल डू द मेन एंशिएंट क्लासेस, उसमें हम देख लेंगे, ठीक है जी? हो सकता है एक किंग हो, उसके अंडर बाकी काम करते हो, बात सही है। लेकिन जब एज ए हिस्टोरियन आप कोई भी थीसिस लिखते हो, तो आपको एविडेंस देना पड़ता है कि मेरे को ये कागज दिखा, मेरे को ये मटेरियल दिखा, और बाकी सिविलाइजेशन में ऐसा होता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट? तो इस तरीके से अपनी अपनी थ्योरी देते रहते हैं। यू थिंक देयर वॉज अ सिंगल किंग, राइट? डिफरेंट किंग्स फॉर डिफरेंट रीजन्स, ओके, दिस इज फाइन, इतनी बात क्लियर है। सो अबाउट द सिटी देन, व्हाट एल्स? द बेस्ट थिंग अबाउट दीज सिटीज वॉज द ड्रेनेज सिस्टम, नालियां। ये देख रहे हो आप? कैन यू सी दिस? देर इज अ पर्सन स्टैंडिंग देयर ऑन दैट साइड। इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम था। इंडियन शहरों में फ्लडिंग क्यों होती है? बिकॉज सीवरेज पुराना है, कॉरपोरेशन के पास पैसे नहीं है, पंचायत के पास पैसे नहीं है कि अब जितनी पॉपुलेशन है उतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनवा लें, इसलिए थोड़ी बरसात होती है और पानी भर जाता है। भर जाता है कि नहीं, राइट? इन्होंने प्लान किया, तो इन्होंने क्या किया? पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया इस तरीके से, बहुत बड़ा, विद ब्रिक्स पक्का, उसके ऊपर गलियां बनाई, और वो भी कैसी बनाई? ग्रिड पैटर्न इस तरीके से। इफ ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम एनी सिटी अदर देन चंडीगढ़, तो आपका भी शहर इस तरीके से प्लान नहीं हो पाया, ठीक है जी? इट्स फाइन। तो क्या होता है कि शहर बस बन जाता है अपने आप नेचुरली, ये होता है प्लान करके शहर बसाया गया, ठीक है जी? इट्स फाइन। सो पहले सीवेज सिस्टम बनाया गया, फिर गलियां प्लान की गई, उनके ऊपर सड़कें बनाई गई, उसके ऊपर घर बनाए गए, हर घर का स्ट्रक्चर डिसाइडेड था बाहर से, गली से, यहां से अगर आप देख रहे हो सड़क से, तो आपको अंदर किसी का कमरा नहीं दिखेगा, देर इज अ वॉल फॉर प्राइवेसी पर्पसेस। कुआं है जहां पर कोई स्ट्रेंजर, कोई आता जाता आदमी भी अंदर आके पानी पी के जा सकता है, राइट? बहुत सारे घरों में कुआं है, दे आर प्लानिंग फॉर इवन पासर्स बाय, काइंडनेस भी है सोसाइटी के अंदर, कोई भी आए पानी पी के चला जाए। देन स्टेयर्स ऊपर जा रही है तो छत भी है, राइट? छत है तो लेंटर भी डाला हुआ है, राइट? कौन डाल रहा था? वर्कर्स डाल रहे थे, राइट? बट सच सोफिस्टिकेटेड हाउसेस। अब अगर जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे घर है, तो जिस साइड पर स्ट्रीट है वहां पर विंडो नहीं है, प्राइवेसी, राइट? सो ये सारे घर आपको डिफरेंट शहरों के अंदर, ये एक बड़ा आउटले था शहर का, इसके अंदर जो घर हैं वो इस तरीके से दिखते थे। ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, जिन शहरों के अंदर पानी की कमी थी वहां पर वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए गए, यानी पानी को स्टोर करने के लिए तालाब भी बनाए गए, इज फाइन। देयर वॉज वन सिटी बाय द नेम ऑफ धोलावीरा, विच इज फेमस फॉर इट्स वाटर स्ट्रक्चर्स। इन आर टाउन न्यू ड्रेनेज वॉज लेड, पाइप्स लेड वर सो लो क्वालिटी एंड कंजेस्टेड, एग्ज वर सो स्मॉल दैट इट ओवरफ्लू फ्रॉम वन साइड।
इवन बिफोर कंप्लीटिंग? विच सिटी इज दिस? राइट, सो दैट इज वाई दिस सिविलाइजेशन इज वर्थ रीडिंग, बिकॉज हम आज भी इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नहीं बना पा रहे जो 5,000 साल बाद टिके रहे, नहीं बना पा रहे. राइट, जैसे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम तभी टूट गया जब बन रहा था, जैसे सारी सड़कें होती हैं, जैसे बहुत सारे पुल गिर जाते हैं, साथ में लोग भी गिर जाते हैं. दिस हैपेंस इन इंडिया. गुरु हर्ष हाय इन फिरोजपुर. राइट राइट इज फाइन. तो ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट्स, हाउसेस, वेल्स, डबल स्टोरीड हाउसेस, एंड देन ये जो ड्रेनेज सिस्टम था इसमें सफाई करने का प्रोविजन भी था. दीज वर कवर्ड एंड दीज कवर्स कुड बी रिमूव्ड. गटर होते हैं जैसे, वो भी थे. और अभी रिसेंटली सफाई हुई हुई थी जब जो भी मलबा निकला था साइड पे पड़ा हुआ था, और वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है. बिकॉज समथिंग हैपेंड, शहर वहां से भाग गया, या किसी तरीके उन्होंने शहर छोड़ दिया और वो सफाइयां एंड तक हो रही थी. सो सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान अभी भी देश को साफ नहीं कर पा रहा. राइट, लेकिन इनका शहर साफ था. दैट इज द वंडर ऑफ दिस सिविलाइजेशन. राइट, और देन सिटेडल के बारे में आपने जान लिया, इट वॉज रेज्ड. और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कहां पे थे? यहां पे थे. उनमें से एक था द ग्रेट बाथ, विच वॉज प्रॉबली अ सरोवर. कुछ लोग बोलते हैं कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था. राइट, कि जहां पर लोग, हर धर्म में ऐसा होता है ना कि नहाते हैं पानी में, मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स, पाप धुल जाते हैं फिर. सही बात है. सो अब नदियों में नहाना या सरोवर में नहाना इज अ वेरी कॉमन फीचर. धर्मशाला में भी है, बुद्धिज्म से लेके हिंदुइज्म से लेके सिखिज्म से लेके ये कॉमन बिलीफ है. तो जिनको ये ग्रेट बाथ मिला और आसपास कमरे मिले जहां पे नालियां बनी हुई थी, शायद ये वॉशरूम्स थे, तो ये आर्कोलॉजिस्ट को लगा कि शायद ये भी एक रिलीजियस रिचुअल बाथ होगा. देन सम पीपल सेड कि नहीं, कोई मंदिर नहीं मिला यहां पे, कोई मूर्ति नहीं मिली. सो वी डोंट नो रिलीजन था भी या नहीं था, और अगर नहीं था देन दिस कैन नॉट बी अ रिलीजियस प्लेस. इज दिस फाइन? ऑलराइट जी. सो दिस इज द रिजर्वायर एट धोलावीरा. कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन ग्रेट बात इससे भी काफी बेटर है. राइट, विल सी दैट इन द मेन एनसीईआरटी दिस स्टैंडर्ड बुक क्लासेस. तो ये सिटेडल हो गया, रेस प्लेटफॉर्म. इसके अलावा सोशल डिफरेंसेस हमने कुछ ऑलरेडी बात कर ली, क्या कि कुछ ऐसी चीजें जो प्रेशियस मेटल से बनी हुई हैं, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं बड़े घरों में, सेटल में. सो वी कैन मेक आउट ऑफ इट कि सोशल डिफरेंसेस भी थे. देयर वर पीपल हु वर रिच, देयर वर पीपल हु वर नॉट सो रिच. राइट, ऑलराइट. सो यहां से वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, ये क्या बना हुआ है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ बोट, दिस इज अ चप्पू. राइट, तो यहां से आपको इन सब चीजों के एविडेंसेस मिलेंगे. दिस इज अ सिलिंड्रिकल सील जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की नहीं है, कहाँ की है? मेसोपोटामिया, विच इज प्रेजेंट डे इराक. वहां की सिविलाइजेशन यहां पर, वहां की सील यहां पर मिले, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट थे, लिंक्स थे. ठीक है. कैन वी हैव द ड्यूरेशन ऑफ क्लास फॉर 60-70 मिनट्स? बताओ जी, 60-70 मिनट? ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे कुछ? नहीं, बिकॉज आई नो दे विल किल मी. ये ऑलरेडी हैरानी से पूछते हैं, ऐसी हैरानी वाली टोन बना के पूछते हैं, सिर्फ 2 घंटे की क्लास है, ऐसा पूछते हैं. राइट, बिकॉज न्यूज़पेपर क्लास को क्लास नहीं मानते. Isn't it? वो वाला 1 घंटा माइनस हो गया,
फिर 2.5 से 3.5 एनसीईआरटी की क्लासेस लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको भी क्लास नहीं मानेंगे, बोला 1 घंटा भी माइनस हो गया तो बच गए ये वाले 2 घंटे, एंड हेंस इसको रिड्यूस करेंगे तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। इन 1 आवर वी विल बी एबल टू डू नथिंग, वी हैव नॉट कवर्ड इवन 1 चैप्टर, 4 क्लासेस फॉर 1 चैप्टर, नॉट अ गुड आइडिया। हाँ यहीं पे, यहां पर ही बगावत हो गई है, ये तो चलो शर्मा रहे हैं। नो सर विद सो मेनी ओज, नो सर बहुत काम पड़ा है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन विंडो इज लो, या बट द एग्जाम इज ऑफ 3 आवर्स जहां पे आंसर लिखने हैं। सर पापा को एडमिशन के लिए कैसे मनाएं? आई थिंक यू आर फ्रॉम हरियाणा, एम आई राइट? पापा को क्लासेस दिखाओ, पापा को क्लासेस दिखाओ और फिर मान जाएंगे तो ठीक है ना, वरना पैसे किसी और चीज के लिए ले लो। लार्जेस्ट हड़प्पन सिटी एट प्रेजेंट, सी डिफरेंट बुक्स गिव डिफरेंट नेम, बट एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अगर आप सर्च करोगे तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, दे विल वेरी क्लियरली गिव दिस हेडलाइन, रत्थीगढ़ी इज द लार्जेस्ट सिटी, नॉट सिटी साइट, साइट इज द राइट वर्ड, नॉट सिटी, अभी इंडिया में है सबसे बड़ी साइट, राइट। ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो होते हैं जब ये पूछ लिए जाते हैं तो डिफरेंट बच्चे डिफरेंट आंसर्स देके आ जाते हैं, फिर वो ऑब्जेक्शंस मांगते हैं तो डिफरेंट एविडेंस हो जाते हैं, राइट, फिर वो कैंसिल हो जाते हैं, बट एज पर द लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स इट इज रत्थीगढ़ी। ऑनलाइन मोड इज गुड और ऑफलाइन इज गुड इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है, आई थिंक इट इज द इनर विल दैट मैटर्स, एंड आपका जैसा पर्सनल कंफर्ट है, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर पाते हो ऑनलाइन इज फाइन, अगर नहीं कर पाते देन इट इज अ प्रॉब्लम, राइट, विच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। अपने आप को डिसिप्लिन जिसने कर लिया फिर प्रॉब्लम क्या रहेगी, ये तो प्रॉब्लम है। सुबह उठने के समय से डिसिप्लिन ही तो बन नहीं पा रहा लाइफ में, रात के सोने के समय तक। सो इट इज इजियर सेट देन डन, बट इफ यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन, एंड इफ देर आर इश्यूज ऑफ अफोर्डेबिलिटी देन डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स, अगर आपका अपना पैसा नहीं है तो, अगर अपना है तो फिर दैट इज योर डिसीजन। द बुक लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी ओनली दोज आर इंपॉर्टेंट, राइट, सो देर आर टू लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर सकता है, वन इज अराउंड 45 बुक्स, वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, वो आप मांग लेना वो आपको मिल जाएगी, उसमें 20-21 बुक्स हैं, और जब आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा देन वी विल डिस्कस द ग्रेविटी ऑफ द इंपॉर्टेंस, कि कौन सी किताब उस सब्जेक्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों, जैसे अभी हमने बात की, राइट, बिकॉज यू ओपन द रीसेंट एग्जाम ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज, यू ओपन द लास्ट एग्जाम ऑफ पंजाब सिविल सर्विसेज, यूपी पीसीएस, स्टेट सिविल सर्विसेज से लेके यूपीएससी, दे आर फॉलोइंग थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम नहीं छोड़ सकते दोनों को, ठीक है जी। लेकिन अगर समय बहुत कम है तो आप दोनों में से एक कर लो, एक तो करो ही, बेयर मिनिमम। हाँ दिस इज द फर्स्ट डे, पहला ही दिन है ना, वी आर डूइंग दिस एनसीआरटी, दिस इज द फर्स्ट डे फॉर दिस एनसीआरटी, एनीथिंग एल्स, नो क्वेश्चंस हेयर, आर यू श्योर? बाद में तो नहीं बुलाओगे? हाँ
चलिए जी, आई थिंक देन दैट इज इट. दिस इज न्यू एनसीईआरटी. दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ डिस्कशन ऑफ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन. पंजाब पीसीएस एग्जाम कंडक्टेड एवरी ईयर. नो, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं. तो ऑलमोस्ट हर दूसरे साल हुआ करता था, बट देन पीपल वॉन्टेड चेंज, सो दे वोटेड फॉर चेंज. एंड नाउ दिस इज चेंज, दे चेंज एवरीथिंग. सो नाउ दे विल बी कंडक्टिंग इन द थर्ड ईयर, राइट? तो अभी इस साल एग्जाम होगा, इसके बहुत सारे चांसेस हैं. बट अगेन अ न्यू गवर्नमेंट. अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर यू टू गेट एलिजिबल, गुड. और आधे ऐसे बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कहीं हम इनएलिजिबल ना हो जाएं. उनकी एज बेचारों की बॉर्डर पे है. एक दो बच्चों ने तो बाकी नौकरियां क्लियर की हैं इस इंतजार में. वन स्टूडेंट ही हैज गॉट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क, बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एज एग्जामेशन मिलती है. सो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, इमेजिन, जस्ट टू स्टे एलिजिबल. राइट, हरियाणा इज कंडक्टिंग द एग्जाम रेगुलरली फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स. तो आप उधर जाके भी देके आ सकते हो, हिमाचल जाके देके आ सकते हो. राइट, सारा देश अपना ही है. अगर पंजाबी की हुई है तो पंजाब में भी दे सकते हो और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी दे सकते हो. पंजाबी क्यों नहीं जरूरी है फॉर पंजाब एग्जाम्स.